कोई भी फॉर्मेटिंग जो आपकी कंडीशन के बेस पे होती है उसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। ठीक है जी, कंडीशनल होम टैब में आएंगे आप, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। यहाँ पे हमारे पास पहले से कुछ रूल्स दिए गए हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स। तो इनके बेस पे क्या होता है कि ये कलर करता है इन रूल के ट्रू होने के केस में। ठीक है जी, देखते हैं इनके रूल्स कैसे हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा डेटा आपका। सिलेक्शन पहले मैं नंबर्स का करता हूँ इनका, सेल्स का। ठीक है जी, तो मैंने सेल्स सारी सिलेक्ट कर ली है। देन क्या किया मैंने, हाईलाइट सेल ग्रेटर देन, अब यहाँ पे वो वैल्यू डालूंगा जिससे मैं करना चाहता हूँ कि किससे ग्रेटर देन। फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन, अब 50 से बड़े वाले यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। मैं चाहूँ तो इसको बदल सकता हूँ, 60 से ऊपर वाले कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे कलर होने चाहिए, लाइट रेड, येलो, फिल विद डार्क येलो टैच, कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। पर आप चाहते हैं कि आप खुद करना चाहते हैं कुछ, तो यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट भी है। अब देखिए कस्टम फॉर्मेट क्या क्या होता है। कस्टम फॉर्मेट में आपकी ये नंबर फॉर्मेटिंग से लेकर फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक भी दिखा सकते हैं, बॉर्डर्स भी चेंज करवा सकते हैं, ये अपना कोई कलर दे सकते हैं। मैं येलो दे देता हूँ खाली, तो आपका जैसे येलो में दिखाने। ठीक है, ये जैसे ही आपकी वैल्यू चेंज होगी या आपका कलर चेंज होगा, इसका मान लीजिए वैल्यू कम है तो वापस सही हो जाएगा। जैसे ही कंडीशन के अंदर आती है वैल्यू वापस कलर हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको मैंने लगाना दिखा दिया। इसके बाद इसको हटाने के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप लगा रहे हैं तो वो डिलीट करने से नहीं डिलीट होती है। अब डाटा को दोबारा सिलेक्ट कीजिए और दूसरी करेंगे तो इसके ऊपर ओवरराइड हो जाएगी। ठीक है जी, दो कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक साथ लग जाएगी अगर इसके ऊपर आपने दूसरी लगा दी, मतलब करके कोई और रूल लगा दिया। तो कहाँ से देखना है, मैनेज रूल्स में आपके आप चले जाएंगे, इसमें मैनेज रूल्स में अवेलेबल कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको दिखा देगा। ये है किस पे एप्लीकेबल है और क्या एप्लीकेबल है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, आपको देखना है कि पूरी शीट में कितनी कंडीशनल फॉर्मेट, तो दिस वर्कशीट कर सकते हैं, सारी की सारी आ जाएंगी, नहीं चाहिए तो डिलीट कर दीजिए। ठीक है जी, और अदरवाइज यहाँ से question. हाँ जी एक क्वेश्चन, ये आप ये जो नाम और सिटी जो भी है ना, ये ड्रैग करने से पूरे नेम्स कैसा चेंज हुआ, ये पूरे ये इसको कहते हैं कस्टम लिस्ट इसका। चलो मैं आपको अच्छा थोड़ी देर में बताता हूँ इसका भी, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, छोटा सा। ये मैंने पहले से जैसे जनवरी फरवरी आ जाता है ना, तो हाँ इसी तरह से इन नामों को मैंने सेव करके रखा था कहीं पे कस्टम लिस्ट के अंदर। आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपका ये ऑफिस बटन होता है और एक्सेल ऑप्शंस, इसमें एडिट पॉपुलर के अंदर एडिट कस्टम लिस्ट है। ठीक है जी, और अगर आपका 2010 एक्सेल है या 2013 है तो उसमें 2000 उसमें एडवांस के अंदर होता है। ठीक है, एडिट कस्टम लिस्ट, ये कस्टम लिस्ट है। आप देख रहे हैं जो मैंने नाम ड्रैग किए थे वो यहाँ पे हैं। ठीक है जी, होते कहाँ है, बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल एरिया आ रहा है तो जनवरी फरवरी तक तो होते ही हैं। इसमें एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ से लिख लिख के ऐड कर सकते हैं और चाहे तो इम्पोर्ट कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। ठीक है जी, उसके बाद उनमें से कोई भी पहला एक्शन मारेंगे और उसको ड्रैग कर देंगे, जैसे राइस, शुगर, मिल्क, व्हीट लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये मैंने डाल दिया था इसके अंदर।
इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, कहीं एक्सेल में पड़ा हुआ है तो इससे करके ऐसे सिलेक्ट करके निकाल सकते हैं ऐसे करके, ठीक है जी। तो जैसे मैं बता रहा था कि जैसे राइस वाइस का मैंने कर रखा है, जैसे कोई भी चीज डालूंगा उनका पहला कोई भी वर्ड डालूंगा तो वो ड्रैग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, हालांकि ये बहुत यूजफुल चीज है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जैसे हमने देखा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग ग्रेटर देन लेस देन में कोई भी वैल्यू जैसे 50 से छोटी है तो उसमें, ठीक है जी, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये सेम चीज है। बिटवीन मतलब 50 से 70 के बीच की, या कुछ भी आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं बिटवीन का। अब वो क्लियर है ना ये चीजें, कहीं मैं स्किप कर रहा हूँ? या इक्वल टू, अभी तक जो हमने पढ़ा वो नंबर के बारे में पढ़ा था, ठीक है जी, उसमें एडिट भी यूज कर सकते थे, पर इसमें क्या है कि ये इक्वल टू किसी में भी टेक्स्ट में भी यूज हो सकता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इक्वल टू किसी नेम के हो, ठीक है जी, तो उसकी फॉर्मेटिंग चूज कर सकते हैं, इक्वल टू 65 या इधर लगा है तो इक्वल टू किसी नेम के हो, ठीक है जी, वो हाईलाइट हो जाएगा। अगर आपने लगा दिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो ये क्लियर रूल है, यहां से भी हटा सकते हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, ठीक है जी। ये शॉर्ट कुछ शॉर्टकट्स हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हटा देते। देन टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ठीक है जी, इसमें क्या होता है कि पार्शियल लुकअप हो जाता है आपका, क्या आपको मतलब याद नहीं कि वो क्या था, क्या टेक्स्ट था, टोटल नाम ही याद नहीं है, आपने कहा कि उसके नाम के अंदर डबल ई आता था तो आपका उनको हाईलाइट कर देगा, ठीक है जी, चाहे कि वो नाम एस से एस है उसके नाम के बीच में, ठीक है जी। तो ये पार्शियल लुकअप के लिए थोड़ा सा कि आपको याद है कि थोड़ा सा इसका पार्ट मिलना चाहिए तो ये उनको हाईलाइट कर देगा, ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। दैट कंटेन्स मतलब जहां भी कंटेन करेगा, डेट अकरिंग ये डेट के लिए है। देखते हैं डेट अकरिंग में, इसमें आपके पास कुछ ऑप्शन है, यस्टरडे टुडे टुमारो इन लास्ट 7 डेज। यस्टरडे मतलब आपकी बीती हुई दिन, जो आपका बीत गया दिन, जैसे आज आज है हमारा 10 अक्टूबर, तो 10 अक्टूबर इसके अंदर कोई अगर ऐसी डेट होती 9 अक्टूबर वाली तो क्या करता है, ये हाईलाइट कर देता, ठीक है जी, यस्टरडे। अब यही रूल अगर मैं कल इस शीट को खोलता हूँ तो ये 10 अक्टूबर होगा जहां वहां हाईलाइट करेगा, क्योंकि यस्टरडे में हर बार डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी, या इसी तरह टुडे भी चलता है। इसी तरह आपका टुडे भी चलता है, मैं रूल को क्लियर कर देता हूँ। ये ऊपर का ड्रॉप डाउन मेनू जैसा कैसा आ गया, आप जाके डाटा में जाके फिल्टर सेलेक्ट करें क्या? नहीं सर, ये तो फिल्टर है ना, इसकी कह रहे हो ना आप? हाँ, पहले से फिल्टर था ना, तो अभी ऐड करें आप? और नहीं सर, मैंने पहले ही कर रखा था। अच्छा, देखिए ना, ये मैंने ऐसे लगा दिया, शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एल, एक बार दिखाइए ना कैसा करें। शॉर्टकट है सर, कंट्रोल शिफ्ट एल,
अच्छा कंट्रोल शिफ्ट एल, अच्छा शॉर्टकट है। हाँ जी वो आप बनाए से शॉर्टकट है, हम लोग भी कर सकते हैं वो टाइप का नहीं, आप शॉर्टकट। भी कर सकते हैं। आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, देखिए कोई भी शॉर्टकट आपने करने हैं तो इसमें F1 दबाइए, अगर तैयारी करनी है शॉर्टकट्स पे करिए और आपका ये आ जाएगा एक्सेल शॉर्टकट एंड फंक्शन की, तो इसमें आपकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी शॉर्टकट्स। ये देखिए अच्छा, हर तरह के शॉर्टकट मिल जाएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं इसमें। संदीप जी हाँ जी, जैसे भी आप शॉर्टकट यूज करोगे ना वो बताते जाइए, वो शॉर्टकट का लिस्ट तो बहुत लंबा है हमें मालूम है, हाँ लेकिन जैसे भी आप यूज करोगे तो बताते जाओ, वैसे सीख के जाएंगे हम लोग। अच्छा ठीक है सर, जैसे मैं डेटा सिलेक्शन के लिए क्या यूज करता हूँ, जैसे आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और ये पूरे में है, ये आपको पता कैसे करते हैं ऊपर से नीचे तक मैंने हाँ, क्या शिफ्ट दबा के है? क्या करें आप इसको? ये पूरा सेल्स का डाटा जो है एक बार में मैंने सिलेक्ट कर दिया। हाँ कैसे किया? देखिए मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, देन कंट्रोल शिफ्ट दबाया और ओ उसके कंट्रोल बाद शिफ्ट, आप एरो की जिस दिशा में ले जाएंगे वो पूरा सिलेक्ट कर जाएगा। ठीक है जी, ओके कि मैंने इधर लेफ्ट वाली मारी ये इधर सिलेक्ट हो गया, डाउन वाली कर रहा हूँ तो पूरा सिलेक्ट होगा। ओके ठीक है जी, डाटा जहां तक होगा वहां तक सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे आपको पूरा ही सिलेक्ट करना है ना, तो यहाँ क्लिक करके कंट्रोल ए करिए, आपका डेटा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ओके हाँ पहले क्या होता था कंट्रोल ए में पूरी शीट सिलेक्ट होती, पर आजकल क्या होता है सिर्फ डेटा सिलेक्ट होता है, दोबारा कंट्रोल ए दबाएंगे तब शीट होगी। ओके डेटा भी वही जिसमें ब्रेक ना हो कोई भी, ब्रेक मतलब अगर एक लाइन खाली होगी बीच की तो ये सिलेक्ट नहीं करेगा। जैसे ओके यहाँ है ये, अगर यहाँ कंट्रोल ये दबाऊंगा तो सिर्फ इतना डेटा सिलेक्ट करेगा। ओके मान लीजिए क्या होता है कि ऐसा बीच बीच में हर जगह है पर आपको सिलेक्ट काम जो है पूरे का कराना है। अब आप जो सॉर्टिंग फिल्टर जितना भी करवाते हैं ना सर, वो क्या होता हाँ है कि जब ये करते हैं और डायरेक्ट कर देते हैं आपने यहाँ से सॉर्ट फिल्टर कर दिया, तो इफेक्ट खाली इतने पे होगा, मतलब जहाँ कंट्रोल ए वर्क कर रहा है ना सिर्फ उतने पे होगा जिस एरिया पे। तो आप ऐसा कर, जैसे फिल्टर में भी कई बार क्या डेटा होता है कि बीच बीच में काफी जगह खाली होती है पर आपको लेने सारे के सारे, तो कैसे करना है पूरे को सिलेक्ट करना है मैनुअली, देन उसको करना है तब जाके आपका इफेक्ट करेगा। ओके देन आगे बढ़ते हैं इसमें आते हैं। एक हमारे पास है डुप्लीकेट वैल्यूज, तो इसमें कहीं भी डुप्लीकेट वैल्यूज होगी, इसको मैंने पूरे सिलेक्ट कर दिया डुप्लीकेट वैल्यूज, यहाँ भी डुप्लीकेट होंगे तो उसे सिलेक्ट कर देगा। ऑलमोस्ट सारी वैल्यू डुप्लीकेट है, यूनिक भी है इसमें यूनिक, कोई अगर यूनिक होती है गलती से मतलब वो रिपीटेड नहीं है यूनिक, तो वो हाईलाइट हो जाएगी अगर ऐसी वैल्यू होगी तो, वैसे ऐसी वैल्यू है नहीं। देन आगे देखते हैं, तो ये हमारे कुछ रूल्स थे। देन आपके पास टॉप एंड बॉटम रूल है, ठीक है, जैसे सेल्स में हो गया टॉप 10 आइटम, मतलब इसमें से 10 छाटने, मैंने इस पर सिलेक्ट किया टॉप वाले जो 10 टॉप 10 की लिस्ट बनती है ना, ये उसी तरह से ही है। 10
10 की जगह आप टॉप 20 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं। तो टॉप 10 वाले इसमें हाईलाइटेड हो जाएंगे जो हाईएस्ट से होंगे। जैसे आप ये देखेंगे तो टॉप 20 किए थे मैंने, तो 20 हाईएस्ट वैल्यू इसमें हाईलाइटेड हो गई। तो मैं क्लियर रूल्स कर देता हूँ। देन टॉप 10 के अंदर ही ये बॉटम 10 वगैरह देख रहे हैं, इसी तरह बॉटम 10 है, टॉप 10% भी है एक हमारे पास। अगर मैं इसको इधर से करता हूँ, टॉप 10% क्या होगा कि जैसे जितने डेटा होगा 700 रिकॉर्ड है तो 70 रिकॉर्ड हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है जी, 10% 20% जो मर्जी कर सकते हैं। अभी जैसे देख रहे हैं 100 रिकॉर्ड हुए हैं, 910 और 100 रिकॉर्ड हुए हैं इसमें से, तो टॉप की 100 वैल्यू हो गई, मतलब जो डेटा का हमारे 10% था वो इसने कर दिया टॉप वाले। इसी तरह बॉटम वाले भी हैं, ये जब डेटा सेग्रीगेट कर रहे हो उसका ऑप्शन आप ऊपर ड्रॉप डाउन मेन्यू से लाते हो। हाँ, वो फिल्टर में ना क्या होता है कि हम कलर से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फिल्टर इज बेसिकली कंट्रोल शिफ्ट एंड एल। कंट्रोल शिफ्ट एंड एल फिल्टर भी बहुत बड़ा है, वो एक घंटे का अलग ही टॉपिक है, फिल्टर एंड सॉर्टिंग अलग टॉपिक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, बॉटम 10 तो आप समझ गए होंगे जहां तक है, क्योंकि बॉटम 10 हो गई लोएस्ट वाली वैल्यूज इस डेटा में। जैसे 10 से 90 तक का डेटा है तो 10 के आसपास की वैल्यू दिखाएगा। ठीक है जी, बॉटम 10 जब मैं चूज करूंगा टॉप एंड बॉटम रूल्स में से बॉटम 10 आइटम्स, तो सबसे छोटे वाले 10 आइटम्स आपको सिलेक्ट कर देगा। अब देखिए फिल्टर में क्या कर रहा हूं मैं, ये फिल्टर यहां से क्लिक किया, यहाँ फिल्टर बाय कलर है तो मैं कलर के हिसाब से कर ले रहा हूँ पिंक वाले। तो इसने ये वाली जो हाईलाइटेड सेल है वो दिखा दी, मैं तो जो फॉर्मेट कलर फॉर्मेटेड सेल थी वो दिखा दी। तो बॉटम 10% किया था हमने, देन फिर अबव एवरेज बिलो एवरेज, एवरेज से अबव पूरे को इकट्ठा करेगा उसकी एवरेज निकालेगा, तो एवरेज से अबव जो बड़ी वैल्यू होंगी उनको कलर कर देगा, बिलो एवरेज उसी एवरेज से छोटी जो वैल्यू है उनको कलर कर देगा। ठीक है, उसके बाद आता है डेटा बार्स। डेटा बार्स कुछ नहीं है, सिंपल आपका जैसे ये डेटा है सिलेक्ट कर लिया। जैसे आपने देखा होगा कि एक तरह से चार्ट सा क्रिएट कर देता है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर छोटी वैल्यू है तो यहाँ पे, बड़ी वैल्यू है तो फुल, तो ये कॉलम चार्ट की बार चार्ट की तरह है डेटा बार, जो सेल के अंदर ही आता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरह ही चलता है। वैल्यू जैसे ही घटेगी बढ़ेगी ये बार भी आपका घटेगा बढ़ेगा। ठीक है जी, इसमें बस डिफरेंट डिफरेंट कलर डाल सकते हो। देन आपके पास है, जैसे हमने डेटा बार किया
इसी तरह हमारे पास क्या है, कलर स्केल है। डेटा बार में डिफरेंट डिफरेंट कलर है बार से, कलर स्केल में एक पैटर्न है कलर का, दिखाता हूँ ये क्या पैटर्न है। तो जैसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि 10 की वैल्यू हो तो क्या दिखाएगा, तो ये रेड दिखा रहा है, ठीक है जी, लाइट रेड में दिखा रहा है। अब वैल्यू को बढ़ाते हैं 20 में, तो थोड़ा ऑरेंज सा होता जा रहा है, 30 मोर ऑरेंज, 40 येलो की तरफ बढ़ रहा है, 50 60 अब येलो से ग्रीन की तरफ आ रहा है, 70 और अंत में 90 में फुल ग्रीन हो जा रहा है। तो ये स्टार्ट हुआ रेड से, स्टार्ट हुआ रेड से येलो की तरफ चला, फिर येलो से ग्रीन की तरफ चला, ठीक है जी। तो कलर स्केल है जो आपकी वैल्यू के साथ चेंज होता रहा है, डेटा बार्स की तरह ही है, इनको भी यूज किया जाता है। अब देखिए जैसे पहला मेरा डेटा बार्स लगी हुई है, अब मैं कोई और लगाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ओवरराइड कर रही है उसी को कलर स्केल, ठीक है। तो इस तरह से आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग ओवरराइड हो सकती है, इसीलिए अब जैसे मैंने यहाँ से ओवरराइड कर दी, मान लीजिए मैनेज रूल्स में गए, यहाँ पे हमारे को दो दिखता है, तो यहाँ से एक डिलीट कर दीजिए, जो रखनी है वो रख लीजिए, ठीक है। देन आपके पास है आइकॉन सेट। आइकॉन सेट में क्या होता है कि अब जैसे हम मैनुअली नहीं करते कि ये ठीक है ये गलत है ये सही है, इस तरह से निशान लगाते हैं, उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट आइकॉन सेट, ठीक है। ऑन द एवरेज बेसिस पे इसने ले लिया कि जैसे सेल्स है, कुछ क्राइटेरिया ले लिया इसने कि इससे ऊपर की जो है वो सही है, बीच की जो है सेल है वो ठीक ठाक है, तो वहां सही ने एक्सक्लेमेशन दिया है, और जो एकदम बेकार है वहां पे क्रॉस साइन है, ठीक है। इसको सेट भी कर सकते हैं अपनी तरफ से, जैसे अब मुझे सेट करना है अपनी वैल्यू सेट करनी है इसमें कि मेरा क्राइटेरिया मेरा होना चाहिए, तो मैनेज रूल्स में चले जाइए, यहाँ पे एडिट रूल में आ जाइए, ठीक है। तो ये इसमें रूल लगा हुआ है, क्या है कि जब वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 67% हो तो राइट का साइन शो करे, व्हेन वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 33% हो तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन शो करे, और रेस्ट ऑफ अदर्स के लिए क्रॉस शो करे। तो यहाँ पे परसेंटेज भी है और आप नंबर भी डाल सकते हैं, जैसे मुझे परसेंटेज नहीं समझ आ रही कि क्या रहेगा, मैंने कहा कि जब वैल्यू जो है 70 से ऊपर हो तो राइट शो करे, 50 से ऊपर हो तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन शो करे, अदरवाइज क्रॉस शो करे। तो यहां से ओके कर दिया, अप्लाई करते ही मेरी कंडीशन सही हो गई, ठीक है जी। तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट आइकॉन सेट हम लोग यूज कर सकते हैं अलग अलग तरह के, ठीक है जी, 5 से 6 कंडीशंस लेकर। अब ये तो रही कि हमारे पास प्री डिफाइंड थी, ठीक है जी, इसको मैं हटाता हूं आइकॉन सेट को, और क्या करते हैं न्यू रूल। न्यू रूल क्या है कि अभी तक जो था कि पहले से डिफाइंड था कुछ ना कुछ, ठीक है जी। न्यू रूल में क्या है कि आप तो अपनी मर्जी से लगाने कंडीशन, तो इसमें आपके पास क्या है कि ये दिया हुआ है फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, 2 कलर स्केल, 3 कलर स्केल, डेटा बार, आइकॉन सेट। तो यहाँ पे इस तरह की सेटिंग दे रखी है इन्होंने कि यहाँ से आप एक बार में जैसे हमने आइकॉन सेट की सेटिंग जाके बाद में करी ना, तो यहाँ से हम कोई करना चाहते हैं तो हम यहाँ से पहले से ही कर सकते हैं कौन सी आइकॉन स्टाइल लगाना है, ठीक है जी, ये लगाने हैं
ये लगाने हैं, इनके अप्स है वो कर सकते हैं, वैल्यूज दे सकते हैं। यहाँ पे एक वैल्यू है कि शो आइकॉन्स ओनली, आपकी वैल्यू गायब हो जाएगी, आइकॉन दिखाएगा खाली, ठीक है जी। इनका अगर आपको जैसे सिंबल जैसे ये है, आपको इनका ऑर्डर चेंज करना है कि जैसे सबसे पहले रेड सिग्नल आए, फिर येलो सिग्नल आए, फिर ग्रीन सिग्नल आए। तो सबसे पहले रेड सिग्नल आए तो यहाँ पे रिवर्स आइकॉन ऑर्डर है, इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये सेटिंग है कुछ इसकी। देन आप इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन्स, ठीक है जी। इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑप्शन है आपके, सेल वैल्यू, स्पेसिफिक टेक्स्ट, डेट अकरिंग, ब्लैंक, नो ब्लैंक्स, एरर, नो एरर, अलग अलग तरह के टेक्स्ट हैं, बिटवीन, नॉट बिटवीन। अब इसमें किसके बेस पे, जैसे कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट के बेस पे है तो कंटेनिंग, नॉट कंटेनिंग, बिगनिंग एंड एंडिंग। मैंने कहा था कि अब जैसे इसमें यह ऑप्शन नहीं था कि जो सेल खाली एस से स्टार्ट हो रही हो, कंटेनिंग वाला तो देख लिया था, बिगनिंग विद जैसे मैं कह देता हूँ अगर एस है तो ये उसको हाईलाइट करेगा जो एस से स्टार्ट हो रही है। यहाँ से फॉर्मेट सेट कर सकता हूँ कोई भी, ठीक है जी। इसको अप्लाई करते ही बिगनिंग विद से यहाँ पे एक्स्ट्रा आप लगा सकते हैं, एंडिंग विद, मैंने कहा कि जिस जो नाम जो है पी से एंड हो रहा हो वो सिलेक्ट हो जाए, ठीक है जी, वो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी एडिशनल सेटिंग्स दी हुई है, डेट अकरिंग, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट वीक, दिस वीक, ये आपके पास दी हुई है। ब्लैंक्स जो खाली सेल्स हैं, नो ब्लैंक्स जो भरी हुई सेल्स हैं, ठीक है जी। एरर्स, नो एरर, एरर नो एरर क्या है? एरर मतलब जैसे कोई एरर आ जाती है ना आपकी, जैसे ये कभी एरर देखी होगी आपने, और ये एरर आती, तो इन एरर कहीं भी किसी भी टाइप की एरर होगी तो वो हाईलाइट कर देगा, ठीक है जी। जैसे ये इनको एरर ही बोलते हैं, ये सब आप न्यू रूल में कर रहे हो हैं? ये सब न्यू रूल में चल रहा है ना? हाँ, न्यू रूल में चल रहा है। न्यू रूल में बेसिकली कुछ नहीं है, वही सेटिंग्स हैं सारी। ये जैसे आपको पहले से डिफाइंड ऑप्शन दिए गए थे ना, ये पहले से दिए गए ऑप्शन है, इनमें ज्यादा सेटिंग की जरूरत नहीं है, पहले से कुछ सेट है। यहाँ पे आप फुल सेटिंग कर सकते हो, जैसे टॉप 10% है, परसेंट है तो ये सिलेक्ट कर दिया, नहीं है तो वही चीज है, बॉटम 10% है ये सिलेक्ट कर दिया, नहीं किया यहाँ पे चेंज कर दिया, टॉप बॉटम 30 वैल्यू चेंज, ठीक है जी। अबव एवरेज और बिलो एवरेज सेम वही चीज है, इसमें कुछ है स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है, फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन, फॉर्मेट यूनिक और डुप्लीकेट इसमें भी वही दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट करके फॉर्मेट सेट करना है, मैनुअल है ये, ओके करेंगे अप्लाई हो जाए। सबसे लास्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला का मतलब है कोई भी फॉर्मूला, ठीक है जी। अब इसमें क्या करते हैं कि आपको डॉलर का कॉन्सेप्ट पता है, डॉलर का आप लगाते हैं कौन सा डॉलर, जैसे हम कोई फॉर्मूला कर रहे हैं तो इसमें डॉलर लगाते हैं हम लोग इस तरह से, ये पता है हम क्यों लगाते हैं, क्या है वो उसका मतलब? ये जैसे मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दूं, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया, ये डॉलर, ये आप समझ रहे हैं ना मैंने क्या किया, G4 जैसे, ये क्या है F4, ये क्या चीज है, ये समझ रहे हैं? जैसे इस तरह से हम फॉर्मूला लगाते हैं तो डॉलर क्यों लगाते हैं पता है आपको? बोलिए बोलिए। नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर नहीं पता तो मैं बताऊँ। वही नहीं पता है,
नहीं पता है? अच्छा ये तो पता है आपको कि ये जी फोर वगैरह एफ फोर वगैरह क्यों यूज करते हैं, ये पता है ना? क्या यार क्या? अब देखिए डॉलर का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, जैसे मैंने यहाँ पे लिंक लिया किसी को, ठीक है जी, ए वन। अभी मैं इसको ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, ठीक है जी, यहाँ ए वन है, तो जब मैं इसको राइट में ड्रैग कर रहा हूं तो क्या होगा? वही आएगा बाकी वैल्यू है। तो एड्रेस में क्या चेंज आया यहाँ पे? बी वन सी वन डी वन, ठीक है जी। कॉलम यानी कि चेंज हुआ, कॉलम जब बढ़े तो कॉलम चेंज हुए, एक एक का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है जी। इसी तरह से जब हम रो में बढ़े, अच्छा ये तो डेट्स है, इसको छोड़ देते हैं सिटिंग। तो जब हम रोज में बढ़े, रोज की दिशा में बढ़े जब, तो यहां पे क्या हो गया? C2, C3, C4, C5, C6। तो मतलब ये रोज में एक एक का इंक्रीमेंट होने लग गया। अब सिंपल सा फंडा है डॉलर का कि जिस चाह जिसको आप इंक्रीमेंट से रोकना चाहते हैं उसके आगे डॉलर लगा दीजिए। अच्छा ठीक है जी, ओके। A1 में कॉलम कौन सा है? A है, वन जो है वो रो है, तो ये रो में अगर मैं रोकना चाहता हूँ बढ़ने से तो कहाँ डॉलर लगाना है? रो के आगे डॉलर लगा देंगे, ठीक है जी। अब मैंने लगा दिया डॉलर, अब मैं इसको जब डाउन करूंगा तो डेट की डेट आ रहा है, यानी कि इसके अंदर ये चेंज नहीं हो रहा, ठीक है जी। जबकि मैं इसको अगर दूसरी दिशा में खींचता हूँ तो यहाँ पे ये बी सी, क्योंकि वो फ्री है उसके आगे डॉलर नहीं लगा है, ठीक है जी, तो वो इजीली मूव हो रहा है। पर अगर आप देखिए, अगर मैं इसके आगे भी डॉलर लगा देता हूँ, ए के आगे, तो क्या होता है? अब रो और कॉलम दोनों लॉक है, तो किसी दिशा में भी खींचे ये चेंज नहीं होगा, ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया सर? या सर, क्योंकि इसका बहुत हाईफाई यूज होता है फॉर्मूला के अंदर। मान लीजिए आपको डिवाइड करना है और यहाँ पे ए की वैल्यू है, अब आपको इससे डिवाइड करना है और यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू यही दे दी, आपने कहा कि ये वैल्यू डिवाइड होनी चाहिए इससे, ठीक है जी, 10 से डिवाइड होनी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर मैं ड्रैग करूंगा तो क्या होगा? ये एरर आने लगी। क्यों आने लगी? क्योंकि जो मैंने एफ टू लिया था वो यहाँ पे एफ थ्री हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ता है? यहाँ पे कहाँ लगाना पड़ेगा? F2 में, ठीक है जी। इसको फिक्स कर दिया मैंने, अब मैं ड्रैग कर सकता हूँ इस फॉर्मूले को, ठीक है जी, तो वैल्यू सही आएगी, समझ गए? इसीलिए यूज करते हैं हम लोग इसको। तो डॉलर का कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए बताया क्योंकि हम फॉर्मूला में भी वही चीज करने जा रहे हैं, ठीक है जी, ओके। अब एक और छोटा सा डाटा ले लेते हैं, या इसी को ही, इसको नहीं, चलिए इसी को यूज कर लेते हैं। सेल्स वन, ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे जैसे 7 दिन की सेल है। देखिए मैं रैंड बिटवीन का जो फॉर्मूला लगा रहा हूँ, क्या होता है, मैंने पहले जिससे भी डेटा, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू के बीच में, जैसे 10 से 90 तक का जो है कोई भी रैंडम वैल्यू पॉपुलेट करा रहा हूँ, ठीक है जी, तो 10 से 90 के बीच की कोई भी वैल्यू उसमें आ गई, ये मैं फॉल्स डेटा वैसे ही बनाने के लिए करता हूँ। अब मैं जो कंडीशन देना चाहता हूँ, 7 दिन की वैल्यूज है, मैं चाहता हूँ कि जो हमारी वैल्यू हो जिनका सम 400 से ऊपर हो,
वो हाईलाइट हो जाए, ठीक है जी। और खाली सेल नहीं, पूरी रो हाईलाइट होनी चाहिए यहाँ से यहाँ, ठीक है जी। तो इसके लिए अब ट्रू फॉल्स का यूज जानते हैं, ट्रू फॉल्स का यूज होता है अपने में, ओके ट्रू फॉल्स का जो यूज होता है वो क्या होता है। अब मुझे कोई भी फॉर्मूला है वो ट्रू फॉल्स के लिहाज से बनाना पड़ेगा। अब उसके लिए पहले मैं क्या करूंगा, इनको सम किया मैंने, ठीक है जी, सम किया, जो सम आया क्या वो ग्रेटर देन 400 है, ठीक है जी। अब ये मुझे रिजल्ट क्या देगा ट्रू फॉल्स में, ओके तो यहाँ ट्रू आया यानी कि ये 400 है। इसी तरह की फॉर्मूले की जरूरत होती है हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के यूज फॉर्मूला, ठीक है जी। तो वो डिफॉल्ट ट्रू या फॉल्स बोल देगा अपना कंडीशन सेट हुआ नहीं हुआ, हम जब सम करके ग्रेटर देन 400 करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इट विल टेक ट्रू या फॉल्स बोल देगा वो। देखिए यही तो मैं कह रहा था आपसे, लॉजिकल का आपको पता है, क्योंकि ये जो लॉजिकल का फॉर्मूला है ना हमने यूज किया है, इसमें जो मैजिक वर्ड है ये है आपका ग्रेटर देन लेस देन के साइन में, इनको आप वैसे भी यूज कर सकते हैं, तो ये आपको ट्रू फॉल्स के अंदर रिजल्ट देगा, ओके ठीक है जी। ये ट्रू फॉल्स के अंदर ही रिजल्ट देंगे, ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, लेस देन होता है, और नॉट इक्वल टू में क्या होता है, नॉट इक्वल टू अगर हमें कभी लिखना हो तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है जी, मतलब ग्रेटर देन साइन आपस में। ये एक्चुअली पूरे घंटे घंटे की क्लास है जिसके बारे में मैं आपको हल्का सा ब्रीफ थोड़ा थोड़ा बताता चलूं। अब जिसको बोलेंगे जिस टॉपिक को मैं उसको पूरी लेंथ में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है जी। अगर आपको लगे कि इसमें कुछ और भी हो सकता है तो आप उसके लिए भी ऑप्ट कर सकते। तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया, अब फॉर्मूला कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पैटर्न क्या होता है, मैं ऐसे नहीं लगा सकता सबके अंदर, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला मैंने रो वाइज लगाया है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं अगर ये मान लीजिए सबको सिलेक्ट करके फॉर्मूला डाल दिया तो उसे कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला किसके लिए, ठीक है जी। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जब भी फॉर्मूला वाला पार्ट लगाते हैं तो सिर्फ एक सेल पे लगाते हैं, ठीक है जी। तो एक सेल पे लगाते हैं, फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं हर तरफ। तो ड्रैगिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे भी लगता है, तो इसके लिए मुझे लॉक करना पड़ेगा। क्या लॉक करना पड़ेगा इसमें, इस बार मुझे करना पड़ेंगे कॉलम लॉक करने पड़ेंगे, यानी सी और आई के आगे डॉलर लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहां से इधर भी ड्रैग करूंगा इधर भी ड्रैग करूंगा, ठीक है जी। तो कॉलम लॉक हो जाए तो रो उसके साथ में जहां ड्रैग हो रही है होने दीजिए, ठीक है जी। आप सिलेक्ट करके F4 भी दबा सकते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन देता रहेगा ये ब्लॉकिंग के, ठीक है जी, डॉलर वाले। तो अब मैंने फॉर्मूला चेंज कर दिया, अब इसका फायदा क्या हुआ कि मैं इसको कहीं भी ड्रैग करूं ये सही रिजल्ट दिखाएगा, मतलब वो कॉलम को पकड़ के चल रहा है, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करता हूं, इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूं और यहां पे पहली सेल पे आके, क्योंकि ये फॉर्मूला इसी सेल के लिए था, इसी से रेफरेंस पे, इसी रो के लिए था, तो यहां पे जाके मैंने क्या करना है, न्यू रूल, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, और यहां डाल दिया, पेस्ट कर दिया फॉर्मूला, फॉर्मेट में मैंने कर दिया येलो, ओके ठीक है जी। तो इसमें मुझे यूज क्या करना है, फॉर्मेट पेंटर, अब इस सेल पे मैंने लगाया है फॉर्मेट पेंटर करके, इसको पूरे में कर देता है जहां तक मुझे चाहिए, ठीक है जी, हो गया हाईलाइट। फॉर्मेट पेंटर से गए क्या, क्या जी सर, फॉर्मेट पेंटर से गए ना, फॉर्मेट पेंटर से, हाँ जी
फॉर्मेट प्रिंटर से आप यहाँ से क्लिक करके इसको सब पे फैला दीजिए। फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है? फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए होता है। ठीक है जी, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी फॉर्मेटिंग ही है। तो ये चीज क्लियर है सर, फॉर्मूला के थ्रू कैसे होना है? हाँ। अब देखिए, अगर कोई वैल्यू चेंज होती है और अपना 400 से ऊपर निकलती है तो ये भी हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है जी, पूरी पूरी इसमें आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है जी, अब आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मैजिक दिखाता हूँ कि मैंने कैसे किया क्या हुआ है। एक आपको सैंपल दिखाता हूँ ताकि आपको इसकी उसका पता लगे कि ये किस हद तक जा सकता है। जैसे यहाँ पे कुछ मैंने बना रखा है, इसमें जैसे ही मैं कोई भी मंथ सिलेक्ट करता हूँ या ईयर सिलेक्ट करता हूँ, ये मुझे उस मंथ का कैलेंडर दे देता है। और सैटरडे संडे इसमें हाईलाइट हो जाते हैं। सपोज मैं फरवरी चूज करता हूँ, फरवरी में 28 दिन का हो जाता है, बाकी सेल डिफॉर्मेटेड हो जाती है। इसमें क्या होता है कि हमारे बॉर्डर्स तक डिफॉर्मेट हो जाते हैं। ठीक है जी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे ये लगाते हैं कि यहाँ पे अगर ना हो तो क्या करना है, ये सब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सेट किया हुआ है। और ये जो सेल देख रहे हैं, हर एक चीज में अपना फॉर्मूला लगा हुआ है। यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग और फॉर्मूले का ग्रेटेस्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेस पे इसमें कलर चेंज हो रहा है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर क्या क्या लगा हुआ है अगर देखें तो इसमें भी रूल मैंने ओवरराइड कर रखे हैं। ठीक है जी, क्योंकि उनकी जरूरत थी। कई बार क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि ये वाला रूल पहले चलना चाहिए, तो आप इसको ऊपर कर दीजिए। क्योंकि इसमें क्या हो रहा था कि कई बार जैसे हॉलीडे लिस्ट देखें 2013 वाली, 2013 पे चलते हैं। यहाँ पे ये हॉलीडे है, ठीक है जी, थोड़ा सा ऑरेंज है, बाकी ये लो। क्या होता है कि कई बार सैटरडे संडे के अंदर हॉलीडे आ गया, अब ये जो हॉलीडे वाला रूल है वो ऑरेंज कलर दिखा रहा है, जबकि सैटरडे संडे पे उसे येलो दिखाना चाहिए। तो उस रूल की प्रायोरिटी जो क्या करनी होती है उसको ऊपर कर देना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने ऊपर किया हुआ है हॉलीडे वाला, ठीक है जी। इसमें मुझे क्या यूज ऊपर करना है, अपना ये वाला, तो इसको ऊपर करेंगे यहाँ से, तो ये लो होगा पहले, बाकी ये होना हो। ठीक है जी, तो इस तरह से कोलैप्स करते हैं ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो जो फॉर्मूला चलता है इसके अंदर, ये फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू, तो जहां पे ट्रू आएगा वहां पे ये फॉर्मूला चलेगा। तो आपको फॉर्मूले इस हिसाब से डिजाइन करने, इसको यूज करने के लिए फॉर्मूला क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है जी, तो आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है खत्म है। ठीक है जी, आप सिखा रहे हो इसके, आप इतना वर्कशीट या कुछ भेजोगे जो हम लोग कर पाएंगे? ये आपको सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी पूरी की पूरी, जो मैं कहता हुआ आया हूँ, जो मैं करता हुआ आया हूँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके, नहीं कुछ एक्सरसाइजेस ऐसे कुछ होगा जिसपे हम ट्राई कर सके? फिलहाल तो नहीं है, यही आपको दोबारा प्रैक्टिस करना होता है। मोस्टली क्या होता है कि जो मैं कर रहा हूँ यही आपको करना होता है, इसी में आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है जी, आगे नेक्स्ट अपना चलते हैं, लुकअप एंड रेफरेंसेस। एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे? हाँ जी, 5 मिनट का ब्रेक, हाँ बिल्कुल ले लीजिए, मैं भी सोच रहा था ब्रेक लेने की।
देन इसी तरह से लुकअप एंड रेफरेंसेस की होल रेंज है आपके पास, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री है, मोर फंक्शन में स्टैटिकल आते हैं, इंफॉर्मेशन आते हैं, डेटाबेस फंक्शन आते हैं, तो हर एक फार्मूला भी बहुत तरह के होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जैसा कि आपने कहा, आपने लोग यूज करते हैं वी लुकअप के बारे में, पर वी लुकअप जैसे ही अदर फार्मूले भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको मैं आपको एक इनके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एडवांस यूजर के लिए इनको जानना बहुत जरूरी है। तो पहले मैं डेटा को अपने वी लुकअप लायक बना लेता हूँ। वी लुकअप संदीप जी, हाँ जी सर, वो जो इफ और वो किस में आता है, इफ स्टेटमेंट्स और वो सब कुछ? वो सर लॉजिकल में आता है, कहें तो लॉजिकल से स्टार्ट करूं और कहें तो मैं वहां से स्टार्ट करूं जिससे फॉर्मूला स्टार्ट होता है। आप ऑर्डर क्या है आपका जनरली, पहले आप ये करते हो लॉजिकल या पहले ये करते हो? सर सबसे पहले हमारा जो होता है वो होता है फॉर्मूला इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें फॉर्मूला के बेसिक्स के बारे में बताया जाता है, फॉर्मूला मतलब हालांकि चलते कैसे हैं, क्या होता है उनका, ठीक है जी, आप पहचानेंगे कैसे, हम लंबे लंबे फॉर्मूले लगा देते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, वो सब ट्रिक्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास फॉर्मूला की फॉर्मूला इंट्रोडक्शन करवाते हैं। अब कहें तो मैं उससे स्टार्ट करूं, वैसा करेंगे क्या, जैसा आप बोले हम वैसा कर देंगे सर। नहीं, सिखाने को आसानी क्या और हमें सीखने के लिए आसान क्या होगा सर? फॉर्मूला के बारे में अगर बेसिक जान लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। चलो ठीक है, वैसे करते हैं आज, क्योंकि हमारे में हम लोग ना कोई भी चीज वैसा नहीं सिखाते, जो चीज इम्पोर्टेंट होती है वही कोर्स मटेरियल में है, और कोर्स मटेरियल ही इतना बड़ा है हमारा, क्या करें, एडवांस एक्सेल है ही बड़ा वाकई में, ठीक है जी। तो फॉर्मूला इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला स्टार्ट कैसे करते हैं, स्टार्टिंग के भी कई तरीके हैं सर। आप इक्वल टू से स्टार्ट कर सकते हैं, प्लस से स्टार्ट कर सकते हैं, माइनस से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। इन तीन साइन से आप अपना फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि इक्वल टू करके मैं 10 + 15, तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। दूसरा मैं ऐसे प्लस से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, 10 + 15, ठीक है जी। माइनस से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, बट इसमें एक प्रॉब्लम होती है, माइनस से जब भी स्टार्ट होता है फॉर्मूला वो रिजल्ट पहली वैल्यू को माइनस में कर देता है, ठीक है जी। तो जब भी आपको यूज करना हो फॉर्मूला तो आप यूज करें इक्वल टू और प्लस से, माइनस का यूज ना करें, ठीक है जी। देन इसके बाद जब हम फॉर्मूला में आगे बढ़ते हैं तो इसमें अगली चीज होती है, या तो आप पूरा पूरा फॉर्मूला लगाते हैं जैसे इफ वी लुकअप या इस तरह से, और या तो वैल्यू देते हैं उनके। अब वैल्यू किस किस तरह से दी जाती है, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है तो ये नंबर दे सकते हैं, और बीच में कैलकुलेशन के लिए मैं क्या लगाता हूँ, प्लस माइनस इस तरह के ऑपरेटर लगाता हूँ, इनको ऑपरेटर बोलते हैं। तो अब ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं हमारे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं आया, डिवाइड मल्टीप्लाई, और इसके अलावा कैरेट, शिफ्ट के साथ 6 दबाएंगे तो ये कैरेट का साइन आता है, जिसको पावर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है जी। इसमें लिख भी देता हूँ, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और पावर, ठीक है जी। अब कोई भी जो मुझे कैलकुलेशन करनी है तो मैं क्या करूंगा, 10 + 15 = 25 कर देता हूँ, ये प्लस का हो गया। इसी तरह से ये डिवाइड मल्टीप्लाई तक पता होगा, पावर का दिखाता हूँ कि 10 की पावर में अगर 2 लगाऊं क्या होगा, 10 10 से गुणा हो जाएगा और 100 आ जाएगा, ठीक है जी। तो इनको ऑपरेटर बोलते हैं, तो इतनी तरह के ऑपरेटर होते हैं एक्सेल में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं लॉजिकल होते ही, अरे लाइट चली गई क्या,
ये कैसे बंद हो गया? अरे यहाँ बटन किसने बंद कर दिया? ये किसने कर दिया? क्लास चल रही है, दिख नहीं रहा है तुम्हें? गलती से हो गया, ध्यान रखा करो। हम तो मेरी क्लास खराब हो रही है, एक दिन की क्लास है उसमें भी ड्रामा। कब बंद किया ये? लेकिन तो पता नहीं कितनी क्लास कर चुका मैं। मेरी रिकॉर्डिंग ना बर्बाद हो जाए। ये लो अपने 1600 रुपये अपने पास। हेलो रियाज जी। हाँ संदीप। हाँ वो थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, गलती से बंद हो गया था मॉडेम मेरा, तो इस कारण कनेक्शन लॉस। मैंने लास्ट तक कहाँ तक बताया था आपको, कहाँ तक आप सुन पाए थे? या ये पूरे आप टाइप कर रहे थे पूरे ऑपरेटर्स? अच्छा ऑपरेटर नहीं सुन पाया आप पूरा ही? या हाँ, तो ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर वो कैलकुलेशन होती है जैसे कि आप इक्वल टू के बाद 10+15 कर रहे हैं, तो ये जो प्लस है ना जो कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं इनको कहते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है जी। ऑपरेटर हमारे कितने तरह के होते हैं? प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एंड पावर। ठीक है जी। तो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई आई होप आपको पता होगा जिस तरह से हम ये करते हैं प्लस माइनस, मैं पावर का बताता हूँ आपको। ठीक है जी। जैसे 10 की पावर 2, तो पावर के लिए क्या साइन यूज करते हैं हम? कैरेट। ये जो शिफ्ट के साथ 6 आप दबाएंगे तो ये पावर का साइन हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये कैलकुलेशन आपको मिल जाएगी, 10 10 से गुणा हुआ मल्टीप्लाई हुआ एंड 100 इज दैट। तो ये ऑपरेटर होते हैं इसके। उसके बाद होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है जी। ये हो गए हमारे न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स। ठीक है जी। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कहते हैं वैसे में। अब होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है हमारा? ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ठीक है जी। इनको क्लियर कर देता हूं मैं। तो पहली कंडीशन जैसे है, इक्वल टू से स्टार्ट किया। अब मैंने क्या किया, क्या ये ग्रेटर देन इसके है? तो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो रिजल्ट देते हैं ट्रू या फॉल्स में। ठीक है जी। तो अभी आप देख रहे हैं 10 20 से बड़ा नहीं, तो फॉल्स में रिजल्ट देगा। दूसरा हम यूज कर सकते हैं लेस देन का। क्या ये लेस देन है इससे? तो ट्रू आ रहा है तो ट्रू है।
ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का आपको पता ही होगा, मतलब वो आपकी वैल्यू भी शामिल हो जाती है। सपोज कि यहाँ पे दोनों में जगह 20 है, तो लेस देन इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन का तो सवाल नहीं होता, बट इक्वल टू का होता। अगर इक्वल टू लगा दें तो यहाँ पे 2 आ जाए, मतलब उस वैल्यू को भी इंक्लूड कर लेगा अपने अंदर। ठीक है जी, दो तरह से चेक कर रहा है कि क्या ये लेस देन और इक्वल टू, या तो लेस देन है या फिर इक्वल टू है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू में लेस देन ग्रेटर देन का साइन इकट्ठा लग जाता है। नॉट इक्वल टू तो नहीं है, मतलब दोनों बराबर ही हैं, तो नॉट इक्वल का मतलब होता है जब नॉट इक्वल होता है तब वो ट्रू देता है, तो अभी फॉल्स दे रहा है। अगर यहाँ पे नॉट इक्वल टू होता तो ट्रू दे देता। ठीक है जी, तो ये है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। इसके बाद एक हमारे पास होता है टेक्स्ट का ऑपरेटर। अभी तो हमने देखे मैथ के ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर जो ट्रू फॉल्स में है। एक हमारे पास एक ऑपरेटर टेक्स्ट के लिए दिया हुआ है, एंड का साइन। ये यूज होता है कंकैटिनेशन के लिए। कंकैटिनेट फॉर्मूला आपने देखा होगा, जैसे कि मैं अपना नाम लिखूं, अलग अलग सेल में मैंने लिखा है, मैं चाहता हूँ एक ही सेल में आ जाइए, तो फॉर्मूला स्टार्ट हुआ इक्वल टू से, पहली रेंज मैंने ये दी, देन मैंने टेक्स्ट ऑपरेटर लगाया और दूसरी रेंज ये वाली सिलेक्ट कर। ये क्या करता है, दोनों टेक्स्ट को कंबाइंड कर देता है, तो एक ही सेल में मेरा आ गया। ठीक है जी, अब जैसे मुझे बीच में स्पेस देना है इनके, जैसे अभी यहां पे तो इकट्ठा आ रहा है, मुझे स्पेस चाहिए, या तो बीच में स्पेस करूं मैं, और अदरवाइज मुझे फॉर्मूला के अंदर अगर कोई भी टेक्स्ट यूज करना है तो कैसे करना है, इन्वर्टेड कॉमास के भीतर, इन्वर्टेड कॉमास के भीतर मैं कोई भी चीज दूंगा, स्पेस दे दिया मैंने, वो मेरा टेक्स्ट में आ जाएगा। और दूसरा फिर मुझे इस ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी, क्यों, जैसे हमें 10 प्लस 20 प्लस 30 ऐसे प्लस प्लस बीच में लगाते हैं ना, तो जिस वैल्यूज को ज्वाइंट करना है उधर एंड एंड बीच में लगाते चले जाते हैं। ठीक है जी, तो ये स्पेस आ गया। ठीक है सर, ये यहां तक सही है, सही। इसी तरह से कंकैटिनेशन का फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, कंकैटिनेट का फॉर्मूला। इसमें बस आपको आपको सिलेक्ट करना है ये कॉमा ये, ठीक है, आपको खाली एड्रेस देने हैं, ये भी सेम काम करेगा। अगर मुझे इस फॉर्मूला के बीच में चाहिए तो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में स्पेस और फिर कॉमा करके ऐसे करके दे दूंगा। ठीक है, तो अभी तो मैंने बताया कि ऑपरेटर से रिलेटेड बताए फॉर्मूले, अब आते हैं कि रियल फॉर्मूले कैसे काम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया लॉजिकल फॉर्मूला ऐसा यूज करने वाले बंदे बहुत कम होते हैं जो इस तरह से यूज करते हैं। मोस्टली क्या करते हैं, इफ के फॉर्मूला के साथ इसको यूज करते हैं। ठीक है जी, इफ के फॉर्मूला के साथ जो यूज करते हैं उन्हें वाकई में पता नहीं होता कि लॉजिकल ऑपरेटर्स करते क्या है। ठीक है जी, अब सबसे पहला फॉर्मूला देखते हैं अपना लॉजिकल। ठीक है जी, लॉजिकल के अंदर होता है हमारा इफ की स्टेटमेंट्स होते हैं। तो इफ क्या करता है, एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे कि मैंने नॉट इक्वल टू का या ग्रेटर देन का लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला इस तरह से लगा देते, ट्रू फॉल्स में रिजल्ट देता है। तो इक्वल टू लगा के जब मैं इफ फॉर्मूला लगाता हूँ, अब देखिए कोई भी फॉर्मूला जब हाईलाइटेड हो, ठीक है जी, तो आप टैब जैसे ही प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे तो यहां तक खुल जाएगा, ब्रैकेट ओपन तक ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसके अंदर जैसे ही फॉर्मूला आप स्टार्ट करते हैं, एक यहाँ पे एक बार आ जाती है, ठीक है जी, इंफॉर्मेशन बार टाइप की आ जाती है, टूल टिप। अब इसमें ये कह रहा है पहला लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या होता है, जहां पे आप कोई कंडीशन लॉजिकल में सेट करते हैं, तो कंडीशन यहां सेट होती है कि ये ग्रेटर देन, चलिए ठीक है,
अब इसका आपको पता है कि इसका एवेल्युएशन जो है वो ट्रू फॉल्स में ही होना है, तो डायरेक्ट ट्रू फॉल्स दे सकते हैं या उस रेंज को डायरेक्ट दे सकते हैं इस जगह पे जहां पे ट्रू फॉल्स ऑलरेडी आ रहा है, यानी कि आपको ये कंडीशन नहीं लिखना चाहते कहीं और लगी हुई है, तो इस कंडीशन को यहां से सिलेक्ट नहीं कर सकते जहां ट्रू फॉल्स ऑलरेडी आ रहा है। इफ का फॉर्मूला क्या करता है, इस लॉजिकल टेस्ट के ट्रू फॉल्ट के रिजल्ट के बेस पे दो चीजें चलाता है, वैल्यू इफ ट्रू, मतलब आप कॉमा करके अगला पैरामीटर वो होता है जहां पे आपको ये देना होता है कि अगर ट्रू आए तो क्या देना है, और कॉमा करके नेक्स्ट फॉल्स आए तो क्या देना है। तो फॉल्स आए तो मैंने क्या देना है, इस तरह से मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टेक्स्ट दिया है, ठीक है जी। तो जैसे मैंने क्लिक किया था मुझे पता पड़ा तीन पैरामीटर्स हैं, पहला लॉजिकल टेस्ट है, ठीक है जी। इन पे क्लिक करूंगा तो ये अपने रिलेटेड पैरामीटर बता भी देगा, ठीक है जी। जैसे ये एंटर करूंगा तो ग्रेटर, अगर यहां बड़ी होती लेस, ठीक है जी। तो इसके एवेल्युएशन के बेस पे, ट्रू फॉल्स के बेस पे ये वैल्यू स्विच कर रहा है, ठीक है जी। इफ का फॉर्मूला क्लियर है, हाँ जी। इसमें कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिएगा। नहीं नहीं, गुड गुड टू गो, ठीक है। तो इफ का फॉर्मूला बस हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ट्रू आए फॉल्स आए उसी को बस स्विच करता है, ठीक है जी, वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स के बीच में, ठीक है जी। इफ के फॉर्मूले के बाद हमारे पास कुछ लॉजिकल वैल्यूज और भी होती हैं। अगर इसको आप, जैसे कि हमारा होता है एंड का फॉर्मूला और का फॉर्मूला, ठीक है जी। बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं, सच एज शुरुआत करते हैं और से। यहां पे कुछ कैंडिडेट है मेरे पास, एंड से शुरुआत करते हैं क्योंकि वो आसान है शुरुआत में, जिनके हमने किया है इंटरव्यू। तीन राउंड किए और तीन राउंड में अलग अलग जजेस बैठे थे, उन्होंने यस नो में रिजल्ट दिया, वाई और एन में, ठीक है जी। तो इस तरह से रिजल्ट दिया उन्होंने। अब इसमें क्या करना है, रिजल्ट में मुझे डिस्प्ले कराना है कि जिस कैंडिडेट, जो कैंडिडेट तीनों राउंड में जिसके यस आया है वो सिलेक्टेड दिखा दो और बाकी रिजेक्टेड दिखा दो। तो सिलेक्टेड रिजेक्टेड हम ट्रू फॉल्स के बेस पे कर सकते हैं, पर ये कंडीशन बनेगी कैसे, ठीक है जी। अगर इफ फॉर्मूले के थ्रू इसको लगाना चाहें तो बहुत लंबी चौड़ी कंडीशन बनेगी इसकी। मान लीजिए इफ फॉर्मूले के थ्रू मुझे करना है तो क्या होगा, ये थोड़ा सा हो जाएगा। इफ में लॉजिकल टेस्ट पहले मैं क्या करूंगा कि क्या ये इक्वल टू बाई है, ठीक है जी। लॉजिकल में मैंने एक चीज आपको नहीं बताई, इक्वल टू उसके लिए यूज करेंगे जब इसके बराबर है, ठीक है जी। ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू जब खाली इसके बराबर चेक करना, तो ये भी ट्रू फॉल्स में रिजल्ट देगा। अगर वाई हुआ तो ट्रू दे देगा, नहीं हुआ तो फॉल्स दे देगा, ठीक है। वैल्यू इफ ट्रू, अब ट्रू आए तो क्या करना है, यहाँ पे यस हो तो हमारी कंडीशन है, यहाँ पे चेक कर लो यहाँ पे यस है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और इफ का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या ये इक्वल टू वाई, ठीक है जी। अब यहाँ पे y है तो इसके ट्रू में क्या करना है, यहाँ पे एक और इफ लग जाएगा, क्या ये इक्वल टू y, ठीक है। इतना सब पार करने के बाद वैल्यू ट्रू में आता है जी सिलेक्टेड, और नहीं तो क्या आ जाता है, रिजेक्ट।
इस तरह को इफ की कंडीशंस को बोलते हैं नेस्टेड इफ, जो कि थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। कॉमा, अब क्या है कि मुझे दूसरे इफ के बारे में भी देखना है, ये इफ के बारे में, तो इसमें वैल्यू इफ ट्रू में ये पूरे इफ का ही फॉर्मूला चला, तो इसके वैल्यू इफ फॉल्स में भी कुछ लिखना है, तो यहाँ से अगर रिजेक्ट होता है तो रिजेक्टेड, ठीक है जी। इसी तरह से पहले वाले का भी, फर्स्ट वन वाले का भी मेरे को क्लोज करना है तो रिजेक्टेड। तो ये कहने की बात ये है कि बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगा, ठीक है जी। अब इसी जगह मुझे ये सब यूज नहीं करना, मैं एक शॉर्टकट तरीका यूज करता हूँ। मैं एक एंड का फॉर्मूला लगाता हूँ, और जो मैंने कंडीशन उसमें लगाई है, लॉजिकल टेस्ट लगाया है, वो सिर्फ इसमें देने हैं कॉमा सेपरेट करके। क्या ये इक्वल टू वाई? क्या ये इक्वल टू वाई? क्या ये इक्वल टू वाई? ठीक है जी। अब ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला अपने आप में एक चीज है, एंड के अंदर जितनी भी कंडीशन आप दे सकते हैं, कितनी भी दे सकते हैं, वैसे फॉर्मूला लॉस्ट हो गया दोबारा से टाइप करना, कितनी भी कंडीशन आप दे सकते हैं इनके अंदर, बट ये ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब सारी की सारी ट्रू होंगी, जब सबका रिजल्ट ट्रू आ जाएगा तभी ये ट्रू रिटर्न करेंगे, ठीक है जी। जैसे आप देखें, अगर आपको कैलकुलेशन करके देखनी है कि जैसे इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, तो यहाँ से उस एरिया को सिलेक्ट कीजिए और F9 दबाएंगे तो आपको उसका रिजल्ट भी दिखा देगा, ठीक है। बट इसको एंटर मार के वापस मत आइए, मतलब इससे बाहर निकलना है तो एस्केप मार के निकलिए, क्योंकि एंटर मारेंगे तो ट्रू यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है जी। तो फिक्स नहीं करना है हमें, तो इसी तरह कंडीशन चाहिए। तो तीनों का रिजल्ट जब ट्रू होगा, अब जैसा कि देख रहे हैं कि हमारा जो बीच वाली का है वहां फॉल्स हो गया, इसका हमने देखा तो इसका तो हो गया फॉल्स, तो कंडीशन क्या है, तीनों का ट्रू होगा तभी ये एंड ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है जी। तो ट्रैक करते हैं, तो ट्रू उसी केस में रिटर्न कर रहा है जहां तीनों जगह वाई है, ठीक है जी। अब ट्रू फॉल्स हमारा आ गया, बाकी फिर सिंपल सा काम जो अपना इतना है, यहां से ट्रू फॉल्स ले लेगा और दिखाना क्या है, ट्रू हो तो सिलेक्टेड और फॉल्स हो तो रिजेक्टेड, ठीक है जी। अब ये आ गया, तो बहुत आसानी से मैंने निकाल दिया इसका, ठीक है जी। अब क्या करना है, मुझे आपको मर्जिंग सिखाता हूं कि मर्ज कैसे करेंगे। अब यहां पे कंडीशन लगी है, यहां पे भी ये लगा है, मुझे सारी की सारी वैल्यू एक में ही चाहिए, एक ही, मतलब मैं दो सेल खराब नहीं करना चाहता, एक ही कॉलम में सारा कुछ चाहता। तो क्या करेंगे, हमने क्या किया, इसमें रेफरेंस दिया F16 का, F16 ये वाला, तो इसके अंदर कुछ फॉर्मूला लगाया, इसमें जाके बस आपने इक्वल टू से पहले तक का फॉर्मूला कॉपी कर लेना कंट्रोल सी से, देन आपने जहां F16 है उसको सिलेक्ट करके पेस्ट कर देना, ठीक है जी। और इसको कंट्रोल एक्स करके, मतलब कट करके यहां पेस्ट करना। कट करके क्यों पेस्ट करना है, क्योंकि अब देखिए मैं यहां से कॉपी करता हूं, अभी देखिए F2 दबा रहा हूं, तो इसमें इन तीनों का रेफरेंस आ रहा है। अगर मैं इसको कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देता हूं, कॉपी करके पेस्ट किया तो ये रेफरेंस बदल गए, ठीक है जी, रेफरेंस बदल गए। बट अगर मैं इसको कट करके पेस्ट करता हूं तो क्या होता है, रेफरेंस वही के वही रहता है, ठीक है जी। ठीक है, तो जब भी फॉर्मूला आप खिसकाएं तो कट करके हटाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा, वो रेफरेंस नहीं चेंज करेगा, नहीं तो वो डॉलर वाला रूल आपको पता ही है, ड्रैग करेंगे तो बढ़ जाता है, वो सब हो जाता है, ठीक है जी। तो एंड का फॉर्मूला हमने देखा कि जिसमें सारी की सारी वैल्यू, अगर सारी की सारी कंडीशन ट्रू आए तभी ट्रू दिखाता है। इसी तरह से हमारे पास एक और का फॉर्मूला है,
अब इन राउंड को हटा लेते हैं, इसमें कर लेते हैं कि हमारा एक हमने बैंक अकाउंट खुलवाना है जिसमें हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, राशन कार्ड चाहिए या पैन कार्ड चाहिए। तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट हो तो हमारा बैंक अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या था कंडीशन, सीधे सीधे सी बात है कि सब में अगर वाई हो तो ही ट्रू दिखाना है। इसमें कंडीशन यह है कि किसी एक में भी वाई हो तो भी ट्रू दिखाना है। ठीक है जी, तो इसकी कंडीशन मैं चाहूं तो लगा सकता हूं, पर मैं इसमें फॉल्स के अंदर करते जाएंगे और उसको नहीं, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बताता हूं। सिंपल और का फॉर्मूला लगा देंगे और तीनों के तीनों की कंडीशन दे देंगे। तीनों की कंडीशन दे दी, अब देख रहे हैं जैसा मैंने बताया था ये वर्क वैसा ही करेगा। ठीक है जी, फॉल्स उसी में आया है जहां सब में नो है, किसी एक में भी यस है तो ये उसको ट्रू कर दे रहा है। फिर बाकी आपका इफ का फॉर्मूला सीधे सीधे, और फिर वही मर्जिंग। ठीक है जी, चाहो तो इसी में ही लगा दो, इफ का फॉर्मूला यहां से लगाया और लॉजिकल टेस्ट में ये पूरी वैल्यू है कॉमा करके यहाँ पे दे दिया मैंने ओके और नॉट ओके फॉल्स में, ये मैंने दे दिया, इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है जी, एंड और दोनों का मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको? देन हम बढ़ते हैं आगे। एक नॉट का फॉर्मूला होता है, नॉट का फॉर्मूला कुछ नहीं करता है, बस ये ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है, कोई भी रिजल्ट आ रहा है नॉट, जैसे नॉट इक्वल टू वाला होता है ना हमारा, तो ये रिजल्ट को रिवर्स कर देता है, नॉट में कोई डाल देंगे तो ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग? नॉट का भी यूज होता है अच्छा खासा, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसमें ऐसी कंडीशन आ रही है जहां आपको फॉल्स आ रहा है, पर कंडीशन तब वर्क करेगी जब आपका ट्रू में आए। ठीक है जी, तो उस जगह नॉट लगा देंगे, रिजल्ट को रिवर्स कर देंगे, कंडीशन वही रहेगी, कलर हमें जहां करवाना है वहां करवा देंगे। कभी आपको फॉल्स के केस में कलर करवाना हुआ तो नॉट को करके यूज, उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं इसमें अगला फॉर्मूला। यहाँ पे ट्रू फॉल्स दो फॉर्मूले हैं जो कि ट्रू फॉल्स ही रिटर्न करते हैं और कुछ नहीं करते। ठीक है, ये जैसे ट्रू है तो ये फॉर्मूला भी ट्रू ही रिटर्न करता है, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है जी, तो इसके अलावा इफ एरर का एक फंक्शन है इसमें, इफ एरर का यूज मैं आपको बताऊंगा लुकअप एंड रेफरेंसेस जैसे स्टार्ट करते हैं, वहां पे अच्छा खासा यूज है इसका। ठीक है जी, तो ये आपका लॉजिकल और फॉर्मूला इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, उससे पहले एक और चीज बता दूं आपको कि जैसे कोई भी फॉर्मूला है उनका और कैसे कैसे एक्सप्लोर करते हैं, मान लीजिए आपने कई फॉर्मूले नहीं सीखे हैं तो उनको कैसे सीखेंगे? तो सबसे पहले जैसे इसमें मल्टीपल फॉर्मूले लगे हुए हैं, जैसे मैं क्लिक करूंगा पहले वाले इफ के पास तो उससे रिजल्ट दिखा रहा है मुझे, लॉजिकल टेस्ट क्या रहा, वैल्यू इफ ट्रू में क्या रहा, चाहे वो फॉर्मूला हो वैल्यू फॉल्स में क्या रहा, जिस फॉर्मूला के बाहर क्लिक करेंगे उससे सिलेक्टेड वैल्यूज दिखाने लगेगा। ठीक है जी, पहली इंफॉर्मेशन तो ये। ठीक है जी, बाकी कोई भी फॉर्मूला आपका लगता है जैसे कनकेटिनेट का एफएक्स कमाएंगे तो फॉर्मूला में क्या क्या पैरामीटर्स हैं आपको दिखा देगा। ठीक है जी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिखाएगा हर एक पैरामीटर के बारे में।
अगर आपको यहाँ से भी नहीं समझ आता तो यहाँ हेल्प ऑन दिस फंक्शन पे करेंगे, तो इसका एक लगा के दिया हुआ एक एग्जांपल भी आ जाएगा, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं इस फॉर्मूला में। फॉर्मूला में जब भी आप लगाएंगे, जैसे वी लुकअप लगाना है तो जैसे मैंने वी एल टाइप किया, वी लुकअप हाईलाइटेड हो गया, टैब दबाऊंगा मैं कीबोर्ड से, टैब दबाऊंगा पूरा फॉर्मूला लिख के ऑटोमेटिक ब्रैकेट स्टार्ट बता जाता है। ठीक है जी, आगे के पैरामीटर मुझे यहाँ से नहीं समझ आ रहे तो मैं एफएक्स में जाके इनकी यहाँ से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ लूंगा कि अच्छा है कि इसके लिए होता है टेबल एरे, इसके लिए होता है कॉलम इंडेक्स, रेंज लुकअप, इसके लिए होता है। हेल्प ऑन दिस फंक्शन से इसका एक एग्जाम्पल देख सकते एक मिनट दिखाना वापस, वो कहाँ से गए? FX, ये जो फॉर्मूला बार होती है ना, इसको फॉर्मूला बार कहते हैं। तो कोई भी ओके ठीक है जी, जैसे ही आप फंक्शन टाइप करेंगे यहाँ से आप कर सकते हैं, वो उसके अंदर चला जाए। ठीक है, हेल्प ऑन फंक्शन से इसका आपको थोड़ी सी और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ठीक है जी, इसका एक एग्जाम्पल भी मिल जाएगा कि कैसे लगा हुआ है। ठीक है सर, ओके, तो ये आपको फॉर्मूला को एक्सप्लोर करने में बहुत मदद करेगी। इसके अलावा मर्जिंग का मैंने बता दिया आपको, मर्ज कैसे करते हैं कि हम यहाँ से इक्वल टू से पहले से कॉपी करके और वहां जहां रेफरेंस यूज हुआ होता है वहां डाल देते हैं। पर कई बार क्या होता है कि जैसे F16 है कई जगह यूज है। ठीक है जी, मैंने इफ का फॉर्मूला यहां भी लगा रखा है, यहां से रेफरेंस ले रखा है। मान लीजिए यहां पे मैंने इसका रेफरेंस लिया, यहां पे कुछ फॉर्मूला था और यहां पे मैंने इसका रेफरेंस लिया। तो अब क्या हुआ, यहां पे E25 जो है मैंने दो बार यूज किया। ठीक है जी, पर मैं चाहता हूं कि ये पूरा फॉर्मूला ही आना चाहिए वहां पे। ठीक है जी, कैसे आएगा, मैं क्या करूंगा E25 के फुल फॉर्मूले को कॉपी कर लूंगा इक्वल टू से पहले तक। ठीक है जी, फिर उन दो वैल्यू उन वैल्यूज को सिलेक्ट करूंगा जहां E25 यूज हुआ है, ये किसी फॉर्मूला के अंदर भी हो सकता है, तो बस उसको सिलेक्ट कर लूंगा उस एरिया को जहां जहां E25। फिर फाइंड रिप्लेस में जाऊंगा, कंट्रोल एफ दबाऊंगा, रिप्लेस में चला जाऊंगा, फाइंड वट में मैंने क्या देना है E25, रिप्लेस में वो मैं फॉर्मूला टाइप कर दूंगा। ठीक है जी, और इसके बाद ये सिलेक्टेड रिप्लेस, ओके क्लोज। तो आप देखेंगे यहाँ पे वो पूरा पूरा फॉर्मूला रिप्लेस हो चुका। ठीक है जी, सही। हाँ, लोग पता है क्या इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने यहाँ पे एंड अलग से लगाया था और फिर इफ अलग से लगाया था, कोई भी फॉर्मूला करना है उसको जितना छोटे से छोटे में तोड़ देंगे। ठीक है जी, फिर उसको कंबाइन, जैसे अगर मुझे यही कंडीशन लगानी थी तो मैं कैसे करता, यहां से इक्वल टू वाई, हाँ तो मुझे ड्रैगिंग वाले रूल पता है तो मैं इसको वैसे भी ड्रैग करके कर सकता था। ये फॉर्मूला मेरा बन गया, क्या ये इक्वल टू वाई, क्या ये इक्वल टू वाई, क्या ये इक्वल टू वाई। ठीक है जी, फिर अगला केस क्या होता मेरा, और मैं जाके लॉजिकल कंडीशन है ट्रू फॉल्स पे भी चलता है, तो यहाँ पे भी ट्रू फॉल्स में पास करा सकता था रेफरेंस के थ्रू। ठीक है जी, यहां से पास कर दिया तो इसने अपना रिजल्ट दे दिया। ये सबसे सिंपलेस्ट वे है फॉर्मूला लगाने का। देन फिर में मुझे इफ के जरिए इससे रिजल्ट डिस्प्ले कराना था। इसमें आपको मुश्किल नहीं होगी फॉर्मूला को समझने में, और कहीं एरर आ रही होगी तो आप तुरंत टैकल समझ जाएंगे कि कहां एरर आ रही है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने यहां तक कर लिया, ये फॉर्मूला इतना बड़ा लगा दिया, अब मुझे एक में करना है तो यहां F25 वही मेथड अपनाएंगे, अपना इक्वल टू से पहले यहां से यहां पेस्ट किया। ठीक है जी, पहले इसको पूरा करेंगे देन इसको इफ में ले जाएंगे। इसको इक्वल टू से पहले कॉपी किया और यहाँ G25,
अभी देख रहे हैं यहाँ तक रेफरेंस दिखा रहा है, धीरे धीरे खत्म करता जाएगा। इसका रेफरेंस खत्म हो गया क्योंकि वहां फॉर्मूला आ गया, देन ये। तो मतलब आपके बेस वैल्यू को छोड़ के, बेस वैल्यू कौन सी है आपकी जिन पे ये डिपेंडेंट है, किसी अदर पे डिपेंडेंट है, तो वो डिपेंडेंसी हमें खत्म करनी होती है। अब जैसे मैंने तीनों में फॉर्मूला यही दे दिया तो मुझे इन तीनों की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, ये उसके बगैर भी वर्क कर रहा है। इसी तरह से इसको आप इसमें जहां यूज हुआ है, मैंने इसको यहाँ इक्वल टू से पहले कॉपी किया, ये फॉर्मूला पूरा बन के डिपेंडेंसी खत्म करके, और यहाँ पे जहां इसका रेफरेंस यूज हुआ था I-25, अब मुझे इसकी भी जरूरत है। तो मेरा फॉर्मूला इतने में तैयार हो चुका है, ठीक है जी। बस इसको कट करके यहाँ डालना है और ड्रैग करना है, ठीक है जी। अभी इनमें से किसी की जरूरत नहीं, ठीक है सर। तो फॉर्मूले का ये सब कुछ शॉर्टेस्ट तरीका है। यहाँ तक क्लियर है सर? परफेक्ट। हाँ तो आई होप आपको फॉर्मूले काफी क्लियर हो गए होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो थोड़ी देर का ब्रेक लें, फिर लुकअप एंड रेफरेंसेस स्टार्ट करते हैं। या श्योर, 5 मिनट। 5 मिनट। ठीक है जी, अभी लुकअप के हिसाब से डिजाइन है। बाकी थोड़े से और फंक्शन भी देख लेते हैं लुकअप एंड रेफरेंसेस में। एक होता है एड्रेस फंक्शन, जो आपको एड्रेस बना के देता है, ठीक है जी। जैसे दूसरी रो और तीसरा कॉलम क्या होगा, C2, तो ये आपको एड्रेस बना के देता है। आप नंबर डालिए और ये एड्रेस बना के देता है, ठीक है। एक होता है एरिया, एरिया को बेशक छोड़ दें, इसमें कुछ होता नहीं है। इसमें बस ये बताता है कि आपकी कितनी रेंज सिलेक्टेड है। जैसे एड्रेस, एड्रेस का फायदा किधर है? हाँ जी, एड्रेस का फायदा किधर यूज होता है? एड्रेस, एड्रेस का फायदा सर इनका होता है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड में, ऑटोमेशन में। जैसे आपको क्रिएट करवाना है कहीं से, आप वैसे इसमें तो बताना बहुत मुश्किल है, VBA में मोस्टली है। आगे बढ़ते हैं, इसको आप देख लीजिए, खाली इसको जान लीजिए होता किस लिए। बाकी जब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि यूज कैसे करना है, ठीक है। बस ये जान लीजिए करता क्या। एक साथ जो है इसमें, जैसे मैंने एक रेफरेंस ये सिलेक्ट किया, कॉमा करके ये रेफरेंस सिलेक्ट किया, तो ये बताता है कि कितनी रेंज आपने सिलेक्ट कर रखी है। अब वो भी डबल कॉमा के अंदर मल्टीपल रेंज को आपको बताता है, एरिया जो है, ठीक है जी। इसका भी कोई यूज नहीं, आज तक मैंने तो यूज किया नहीं है इसका। चूज, हाँ चूज का आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका आता है, आप चाहे चाह रहे हैं कि 1 डालूं तो मंथ आ जाए, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि 1 डालूं तो ये वैल्यू आ जाए, 2 डालूं तो वो आ जाए, 3 डालूं तो ये आ जाए, इस तरह से करना चाहते हैं, तो इसी तरह से चूज का फॉर्मूला होता है। चूज का फॉर्मूला में फर्स्ट थिंग होती है इंडेक्स नंबर, तो मैं मान लीजिए इंडेक्स नंबर मैं यहां से चूज कर लेता हूं। उसके बाद होती है आपकी होल लिस्ट, लिस्ट किस तरह की, जैसे मैं कर देता हूं फर्स्ट, ठीक है जी, देन मैं इसमें कर देता हूं सेकेंड, देन इसमें मैं कर देता हूं थर्ड, ये देखिए वैल्यू 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ती जा रही है, तो आप वहां तक कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी मैं इसको यहाँ क्लोज कर रहा हूँ। अब जब मैं इसमें यहाँ वैल्यू डालूंगा 1 तो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन दिखा देगा, जब डालूंगा 2 सेकंड इंडेक्स पोजीशन दिखा देगा, जब डालूंगा 3 तो थर्ड इंडेक्स पोजीशन दिखा देगा, ठीक है जी। तो इनमें से ये पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू बेस्ड ऑन इंडेक्स पोजिशन ये आपको रिटर्न कर देता है, ठीक है जी। इसके साथ ही आपको एक मतलब इसको चाहूं तो मैं, और जैसे आपने देखा होगा
जनवरी फरवरी है। अब मुझे यही चीज करनी है, दिसंबर तक, ठीक है जी। पहले तो मुझे लिखना होगा फॉर्मूला, तो उसका आपके लिए आपको एक शॉर्टकट ऑप्शन बताता हूँ कि आप चूज का फॉर्मूला या कभी भी ऐसी जरूरत पड़े तो कैसे बनाएंगे। अब मुझे डबल कॉमास चाहिए होंगे इसके अंदर, मतलब जैसे टेक्स्ट में एंट्री करते हैं चूज के फॉर्मूला। मैं क्या करूंगा, अभी क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ, ये अलग अलग सेल्स में है, मुझे एक सेल में चाहिए, तो यहां से इसको सिलेक्ट करके फैला लीजिए जितने में एक सेल में आ सके। देन यहां पे होम टैब में जाके आपके पास है फिल, फिल का बटन दबाएंगे और जस्टिफाई, एक सेल में आ गया आपके डेटा, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल है, फॉर्मूला के हिसाब से बनाना है, तो हर एक स्पेस जहां है स्पेस को मैं रिप्लेस करूंगा किससे, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस ऑफ, तो इसमें सबके इन्वर्टेड कॉमा लग गए, मुझे लास्ट वाले का लगाना पड़ेगा और पहले वाले का लगाना पड़ेगा क्योंकि वहां स्पेस तो खाली कुछ नहीं था, ठीक है जी। ये मेरे पास रेंज आ गई पूरी पूरी। अब मैंने क्या करना है, चूज का फॉर्मूला लगाना है, यहां से इंडेक्स पोजीशन का डिफरेंस लेना है, कॉमा एंटर, यहां बस मुझे वैल्यू डालनी है, वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। फॉर्मूला ड्रैग कर दूं मैं और कहीं भी, ठीक है सर, परफेक्ट। अब देखिए एक और चीज दिखा रहा हूं, यहां इफ एरर का यूज बता रहा हूं। आपने देखा मैंने फॉर्मूला लगाया, यहां कोई वैल्यू नहीं थी, इसको मैं ड्रैग कर देता हूं, तो मैंने कोई फॉर्मेट ऐसा सेट करके रख दिया जहां पे अगर मैं इनपुट नहीं दे रहा हूं तो एरर दिखा रहा है फॉर्मूला। मैं चाहता हूं ये एरर ना दिखाए क्योंकि बुरा सा लगता है, ठीक है जी। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इफ एरर। इफ एरर का फॉर्मूला क्या करता है, लॉजिकल में जो मैंने छोड़ा था इसमें आप पूरा का पूरा फॉर्मूला दे दीजिए और अगर एरर आए तो करना क्या है इसे ये बताना होता है। तो मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास दे दिए हैं जिसका मतलब है ब्लैंक, मतलब इन्वर्टेड कॉमास के बीच में कुछ देंगे तो वो दिखाएगा, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में कुछ नहीं देंगे तो ब्लैंक दिखाएगा, तो जब एरर आए तब ब्लैंक दिखाए, तो यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, बस इसी फॉर्मूले को मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे इफ एरर, तो वैल्यू सेक्शन के अंदर हमारा होल फॉर्मूला आ गया और फिर इफ एरर के अंदर मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास डाल दी जिसका मतलब ब्लैंक, ठीक है जी। अब मैं इसको ट्रैक कर देता हूं तो ये मुझे वैसे कुछ नहीं दिखा रहा, पर जैसे ही मैं इसमें वैल्यू दूंगा ये दिखाना शुरू हो जाएगा, ठीक है सर। शीट भी दिक्कत नहीं करेगी और आपका काम भी हो जाएगा, ठीक है सर, परफेक्ट। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला के अंदर, इसमें कॉलम का फॉर्मूला है, रो का फॉर्मूला, ठीक है। रो जो क्या करता है, करंट रो नंबर रिटर्न करता है, जैसे ये छठी रो पे है तो ये रिटर्न कर रहा है। कॉलम क्या करता है, कॉलम का फॉर्मूला रिटर्न करता है, मतलब कॉलम करंट कॉलम नंबर रिटर्न करता है, तो सातवां कॉलम है यहां से गिन के देखेंगे सातवां ही मिलेगा तो रिटर्न करता है। इनका यूज भी होता है, थोड़ा अच्छा खासा यूज होता है, जैसे मोस्टली आप क्या करते हैं सीरियल नंबर डालते हैं, मान लीजिए इसके आगे मैंने इसको नहीं, मैं नई शीट पे ही कर देता हूँ। अब कोई फॉर्मूला मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दिया, यहाँ कुछ 1 2 3 4, यहाँ
या मान लीजिए सीरियल नंबर डाला, यहाँ पे कुछ वैल्यूज डाली, और कई बार क्या होता है मैं डेटा डिलीट करता हूँ बीच में, तो बार बार मुझे क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। मान लीजिए ये डाटा डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है जी, तो 6 के बाद 8 हो गया, या तो मैं इसको दोबारा ड्रैग करूं, वो भी हर बार सही नहीं होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, अब मैं इसी जगह पे एक फॉर्मूला लगाता हूं, कौन सा, रो का। रो की एक खास बात है, रो के फॉर्मूले या कॉलम के फॉर्मूले में अगर आप कोई चीज सिलेक्ट करते हैं कोई रेफरेंस, तो ये आपको उस सेल का रो नंबर रिटर्न करता है या उस सेल का कॉलम नंबर रिटर्न करेगा, कॉलम का फॉर्मूला। तो हम रो का फॉर्मूला का कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे, कि रो खाली रो का ही डाल दिया मैंने और इसी को ड्रैग कर दिया, ठीक है जी। अब क्या है, मैं 8 नंबर की वैल्यू डिलीट कर देता हूं, क्या हुआ रो का फॉर्मेट, क्योंकि रो तो डिलीट हुई पर नंबर तो उसका चेंज नहीं हुआ ना, तो आपकी नंबरिंग सिस्टम बचा रहेगा। बट आप कहेंगे कि हमारा जो है स्टार्टिंग जो होती है वो यहां से हो रही है, ठीक है जी, इधर से हो रही है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऊपर कुछ फॉर्मेट हेडिंग वेडिंग सेट होती है, नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो रही है, उस केस में क्या करेंगे, इसमें क्या करना है आपको, बस ये देखना है ऊपर वाली रो माइनस कर दीजिए, -5 नंबर खाली, रो -5, और इस फॉर्मूले को ड्रैग कर दीजिए, ठीक है जी, यहां कुछ नहीं रहता, यहां हमारी नंबरिंग चलने लग गई ठीक ठाक, यहां से हम कोई डिलीट करें, हमारे नंबर सही सलामत बचे हुए हैं, ठीक है जी। अब थोड़ा सा क्रिएटिव बनाना है कि जब मैं डालूं वैल्यू इसमें तो नंबरिंग आनी चाहिए, अदरवाइज ना आए, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, एक इसका फॉर्मूला लगा देंगे, ये फॉर्मूला को कॉपी कर लेंगे पहले, क्योंकि ये बार बार नहीं डालूंगा। तो इफ अगर इसके बगल वाली सेल ब्लैंक है तो ब्लैंक दिखाए, अदरवाइज ये फॉर्मूला चलाए, ठीक है जी। अब ये इसी को मैं ट्रैक कर दूंगा नीचे तक, ठीक है जी, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो जैसे जैसे मैं इसमें लिखता जाता हूं, ये आपका ऑटो नंबर सिस्टम चलता जाता है, ठीक है जी। और इसमें अगर आप कोई डिलीट भी कर देते हैं तो आपकी नंबरिंग डिस्टर्ब नहीं होती, ठीक है सर। इसी तरह से कॉलम को भी फॉलो कर सकते हैं अगर यहां पे चाहिए, ठीक है सर, ये चीज क्लियर है। हाँ जी सर, परफेक्ट परफेक्ट, ओके। इसके अलावा कॉलम कॉलम्स, रो रोज, रोज और कॉलम्स, इनके आगे एस लगा हुआ है, मल्टीपल एरे लेते हैं, ये आपको टोटल में बताते हैं कि कितनी रोज सिलेक्टेड है। जैसे रोज मैंने यहां पे सिलेक्शन लिया तो कितनी रोज सिलेक्टेड है ये बताएगा, ठीक है जी। अकेला रो क्या करता है, ये मल्टीपल डेटा नहीं ले सकता, ले सकता है कोई बात नहीं, तो ये इसमें खाली यही बताता है आपको, इसका कोई अलग से यूज नहीं, कितने नंबर ऑफ रोज सिलेक्टेड है ये बताता है, रोज वाला कौन सी सिलेक्टेड है वो रो बताता है, ठीक है जी। इसी तरह से कॉलम से कितने कॉलम सिलेक्टेड है ये बताता है, ठीक है जी। नेक्स्ट गेट पाइवट डेटा, ये आपके पाइवट के अंदर यूज होता है, हालांकि पाइवट से अलग रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं उसके अंदर यूज होता है, पाइवट से कोई डेटा निकाल इसका खास यूज नहीं। देन आपका चलते हैं बाकी, इसके थोड़े बहुत इधर उधर के बता दूं, फिर आप पूरा व्यू लुकअप से
मैच इंडेक्स ही नहीं सब में आ जाऊंगा। हाइपरलिंक का फॉर्मूला, अब जैसे हाइपरलिंक का फॉर्मूला क्या होता है, आप कंट्रोल के लगा के हाइपरलिंक लगाते हैं किसी में, जैसे मुझे google.com खोलना है या कुछ भी गो कर देता हूं, अब इस पे कंट्रोल के लगा कंट्रोल के दबाता हूं तो हाइपरलिंक कहीं दे सकता हूं मैं वेब पेज, और यहाँ पे एड्रेस जो है मैंने कहा www.google.com, ये खुल गया है। तो एक हाइपरलिंक तो ये हो गया हमारा, ठीक है गूगल खुल गया, पर एक हमारे पास होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला अच्छा खासा यूज होता है, फॉर्मूला कैसे यूज होता है, जैसे मैंने कर दिया गूगल, फेसबुक, रेडिट, मान लीजिए ये वैल्यू आपकी किसी डेटाबेस में से निकल के आ रही है या कहीं से आपकी आ रही है। अब इसके आगे मुझे लिंक फिट करना है, इनका मैं क्या करूंगा हाइपर लिंक, लिंक लोकेशन क्या होगी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा मैं, ठीक है वो था HTTP कॉलन करके, और जहां पे मेरे को गूगल गूगल लेना था वो मैंने यहां से www. यहां पे इन्वर्टेड कॉमा ऑफ कर दिया और कंकैटिनेशन लगाया, गूगल ले लिया यहां से, कंकैटिनेशन ऑपरेटर लगाया, फिर आगे चालू हो गया मैं .com। तो इस फॉर्मूला में मैंने किया क्या, मैंने जो बीच का है ना www के बीच का वो यहां से ले लिया। फ्रेंडली नेम वो नेम होता है जो आप देना चाहते हैं, मैं गो दिखा देता हूँ जो नाम डिस्प्ले कर, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ इसको ड्रैग कर देता हूँ, ये भी हाइपरलिंक बनाता है। देखिए एक ही फॉर्मूला, ये आपका गूगल खोल देगा, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मैंने इसमें गलत दे दिया लगता है। लिंक लोकेशन www.reddit.com, क्या करता हूँ मैं ये यहाँ से खोल देता हूँ, यहाँ से क्लिक करके इधर ले आता हूँ कि इसकी टेक्स्ट स्ट्रिंग क्या है। अच्छा ओके, क्या हो रहा है इनके ऊपर फॉर्मूले से हाइपरलिंक तो लगा हुआ है, वैसे एक हाइपरलिंक लगा हुआ था जो मैंने पहली सेल में डाला था ना, फॉर्मूला कॉपी किया, .com के बाद स्लैश लगा दें, ये काम करें, छोड़िए इस सेल को यूज ही नहीं करते क्योंकि यहाँ पे दिक्कत है, इंटायर कॉलम में डिलीट कर देता। अब जैसे मुझे लिस्ट चाहिए एक जगह, डाटा में जाके पहले तो मैं लिस्ट चूज कर देता हूँ, एक ही फॉर्मूला लगाऊंगा इस बार, तो यहाँ से डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे लिस्ट, लिस्ट में सोर्स मैंने ये दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज तो क्या हो गई मेरे पास, यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ गया। अब मैंने लगाना है एक फॉर्मूला, तो हाइपरलिंक, लिंक लोकेशन जो थी वो मैंने पूरी दे दी, इसको थोड़ा सा कंकैटिनेशन के जरिए काट दूंगा, यहाँ गूगल डिलीट कर दूंगा, एंड यहाँ से ले लेगा एंड स्टार्ट, और इसमें मैं कॉम कर दूंगा, और कर दूंगा
अब क्या देख रहे हैं आप, फेसबुक खुला, ये यूआरएल फेसबुक का देख रहे हैं। इसी लिस्ट को मैं बदल देता हूँ, रेडिट दोबारा क्लिक करूंगा, मैं गूगल का कर लेता हूं, ये रेडिफ खुला, रेडिफ का यूआरएल आ रहा है। देन गूगल का, गूगल आ रहा है। तो इस तरह से आप अपना हाइपरलिंक का फॉर्मूला से ऑटोमेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये अच्छा खासा फॉर्मूला है। देन आगे चलते हैं, इसमें एक फॉर्मूला और है ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज सर किया है आपने, ट्रांसपोज कैसे करते हैं? हाँ, तो ट्रांसपोज का ये फॉर्मूला है, टेस्ट स्पेशल वाले ट्रांसपोज में, और इसमें एक फर्क है, इसको लगाने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। इसमें क्या करना पड़ता है, आपको उस रेंज से उतना एरिया सिलेक्ट करना पड़ता है पहले, और ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगाया और यहाँ रेंज सेट कर दी। ठीक है जी, देन क्या दबाना पड़ता है इसमें, कंट्रोल शिफ्ट एंटर कीबोर्ड। ठीक है, क्योंकि ये एक एरे फॉर्मूला है, यहाँ पे देखेंगे तो एक कर्ली ब्रेसिस आ गया होगा। एरे फॉर्मूला अलग से एक टॉपिक है, ये हाई टाइप के फॉर्मूला होते हैं। अब इस ट्रांसपोज में और उस ट्रांसपोज में क्या फर्क था, जैसे मैं उतनी सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ जितने में डेटा है, तो ये ट्रांसपोज रेंज सिलेक्ट कर रही है, देन कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर, तो ये आया। अब इसमें क्या है कि ये लिंक्ड है आपका, यहाँ पे अगर मैं कोई चेंजिंग करता हूँ तो आपकी चेंजिंग यहाँ पे भी दिखाता है। ठीक है जी, ये ट्रांसपोज जो होता है फॉर्मूला के थ्रू लिंक्ड रहता है। देन आगे देखते हैं इसमें, अब अपने आते हैं वी लुकअप पे। ठीक है, इनको मैं हाइड करूं। वी लुकअप पे कैसे करें, इनकी मैं हेडिंग ले लेता हूं अपने पास यहां पे। देखिए वी लुकअप क्या करता है, जैसे आपके एग्जाम्स के रिजल्ट निकलते हैं तो उसमें अपना रिजल्ट हमें ढूंढना होता है रोल नंबर के बेस पे। हम क्या करते हैं, लिस्ट में देखते हैं अपना पहली इस लिस्ट में आ रहे हैं हम, रोल नंबर कहाँ है मान लीजिए ये रहा, और उसके सामने वाला डेटा इस तरह से करके देखते हैं। तो कुछ इसी तरह से वी लुकअप काम करता है, मतलब कि जो मैंने बताया जैसे आप रोल नंबर ढूंढ रहे हैं तो इसी तरह से कुछ आईडीज होती हैं जो आपको ढूंढनी पड़ती है। ठीक है जी, तो ये मेरे पास एक आईडी सिस्टम है, ये नाम भी ले सकते हैं, आईडी सिस्टम होता है यूनिक के लिए। जैसे मेरे पास कुछ आईडीज हैं, इनकी जगह नाम भी हो सकता है पर नाम यूनिक होना चाहिए, इसमें कई बार रिपीट है इसलिए मैंने अलग से आईडी दी है। ठीक है, देन मैंने क्या करना है, जैसे डेट निकाल, वी लुकअप, वी लुकअप का फंक्शन टाइप करेंगे, इसमें तीन चार पैरामीटर हैं, चार पैरामीटर हैं। पहला है लुकअप वैल्यू, कि क्या ढूंढना है, तो जैसे रोल नंबर चाहिए होता है तो ये आईडी। ठीक है जी, नेक्स्ट आपको चाहिए टेबल एरे, टेबल एरे है कि आपका होल वो डेटाबेस जिसमें वो वैल्यू सर्च होगी, तो आपको ये पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ता है।
वही कंट्रोल शिफ्ट एरो के साइन से मैंने कर दिया सिलेक्ट। अब इसमें सावधानी क्या है कि आपने ये सिलेक्ट कर रखा है, या तो इधर से जाएगी और अदरवाइज यहां पे फॉर्मूला टाइप करना शुरू, क्योंकि ये अगर रेफरेंस बिगड़ेगा तो आपका वो भी बिगड़ जाएगा, रिजल्ट भी बिगड़ जाएगा। अगला है कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉमा लाइन और कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर होता है कि कौन सी कॉलम पोजीशन पे वो कॉलम है जिसको आप गेट करना चाहते हैं। तो जो आईडी आप सर्च करते हैं वो हमेशा पहले नंबर पे होता है, तो डेटा सिलेक्शन में पहला इंडेक्स आईडी का माना गया, दूसरा डेट, तीसरा नेम, चौथा सिटी और पांचवा सेल्स। इस तरह से इनका कॉलम इंडेक्स हो गया आपके सिलेक्टेड डेटा में। ये नहीं कि आपका ए में आईडी है, मान लीजिए आईडी जो स्टार्ट हो रही है यहां से, ये डाटा आपका जे से स्टार्ट हो रहा है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर आईडी से गिनेंगे हम, पहले जो सर्च कर रहे हैं उससे गिनेंगे, एक दो तीन चार पांच, तो हमें डेट लेना है तो दो दे देंगे टू, ठीक है जी। अब यहाँ पे दो चीज मांग रहा है, ट्रू और फॉल्स, या हमेशा फॉल्स देंगे, क्योंकि ट्रू देंगे तो अप्रोक्सीमेट मैच करेगा, अब अप्रोक्सीमेट तो चाहिए ही नहीं, एग्जैक्ट चाहिए, तो हमेशा फॉल्स देंगे। ट्रू फॉल्स को वन या जीरो करके भी दिया जा सकता है, वन माने ट्रू, जीरो माने फॉल्स, तो हमेशा फॉल्स देंगे, ठीक है जी। एंटर डेटा का E003 के आगे यही डेट है, ठीक है जी। अब नेम गेट करते हैं, तो हमें जैसा कि मैंने बताया वी लुकअप, लुकअप वैल्यू और आपका लुकअप डेटा, देन आपका कॉलम इंडेक्स, नेम के लिए कौन सा है थ्री, देन फॉल्स या जीरो। अब देखेंगे नाम आ गया, इसी तरह से सिटी वी लुकअप पर आप ये देख रहे होंगे मैं बार बार ये वी लुकअप लगा रहा हूं, और अगर डेटा बहुत बड़ा हुआ तो फिर और बहुत मतलब परेशानी वाली बात आती है। यहां पे क्या लूंगा, सिटी के लिए चार, ठीक है जी। सेल्स के लिए पांच लगाऊंगा, कुल मिलाकर मैं मतलब इसी तरह से टाइप कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि ड्रैग वाला हिसाब किताब बन जाए, ड्रैग जैसे मैं करता हूं, तो उसके लिए फॉर्मूला मुझे लॉक करने की जरूरत होगी। पहली चीज आईडी को मैं चाहता हूं, इस वाली आईडी को जब मैं नीचे ड्रैग करूं तो ये नीचे वाली आईडी पकड़े, पर जब मैं फॉर्मूला इधर ड्रैग करने वाला हूं तो आईडी का कॉलम ना छोड़े, तो मैं कॉलम को चेंज होने से रोकना चाहता हूं, वहां लगाऊंगा डॉलर एल से पहले, ठीक है जी, दो को नहीं छोड़ू। दूसरा हमारा है टेबल एरे। अब टेबल एरे में क्या है कि जब मैं ड्रैग करूंगा तो पूरी टेबल ही हिल जाएगी, कहीं भी हो डेटा तो यही रहना है, तो इसको तो पूरी तरह से लॉक होना जरूरी है, मतलब रो और कॉलम दोनों ही इसके लॉक होने चाहिए। कर दिए दोनों लॉक, सबके आगे डॉलर लगा दिए, बस जब इतना कर लें तो आप ड्रैग कर सकते हैं। अब एक लाइन में हमने ड्रैग कर दिया, अब यहां क्या चेंज करने की जरूरत है ना, सिर्फ कॉलम इंडेक्स, चार और यहां पांच, पांच। अब देखिए क्या है ना, ये डेट के फॉर्मेट में था, ठीक है जी। अभी तो मैंने इसमें बीच में डेट का फॉर्मेट चेंज कर दिया था, तो अगर वैसे कई बार वैल्यू आती है, अगर मैं डेट को गेट करना हूं तो इस तरीके से आती, तो इसमें क्या करते हैं हम, या तो डेट का यहां से फॉर्मेट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, या यहां से चूज कर लेते हैं, इसमें फॉर्मेट डेट में जाके जे वाला फॉर्मेट, तो ये यहां, पर यहां ये नंबर में भी स्टार्ट हो रहा है, तो यहां से नंबर कर देते हैं या जनरल कर देते हैं, ठीक है जी, तो आपको करेक्ट, नहीं तो वो नंबर को कन्वर्ट करके डेट में दिखा रहा था। तो अब आप देखेंगे कि फुल रिकॉर्ड आपका यही वाला उठ के इधर आ गया है, ठीक है जी। अब क्या कर सकते हैं, अब ये रिकॉर्ड आ गया है तो ट्रैक कर सकते हैं,
ठीक है जी। तो E005 का देखेंगे यही वाला डेटा आउट क्या है, तो ये भी लुकअप है। ठीक है, इस तरह से आपका वी लुकअप काम करता है। आई होप मेरे ख्याल से वी लुकअप आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, देन इसमें आगे चलते हैं, क्योंकि वी लुकअप भी बहुत तरह के होते हैं। मान लीजिए ये आईडी जो है ना, ये बीच में वी लुकअप की लिमिटेशन क्या है कि अगर डेटा इसके राइट हैंड साइड हो आईडी के, तभी गेट किया जा सकता है वी लुकअप से। लेफ्ट हैंड साइड वाला डेटा वी लुकअप से आएगा ही। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, ये सेल्स को हिला देता हूँ यहाँ से और इधर ले जाता हूँ। अब मुझे सेल्स चाहिए, तो अब क्या होगा, आईडी बीच में क्या रुक तो सकते नहीं। मान लीजिए शीट भी ऐसी है कि कुछ लिमिटेशन है कि आपको चेंज नहीं करना है इस डेटा से। ठीक है जी, तो यहां पे यूज करते हैं हम इंडेक्स और मैच। फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि इंडेक्स होता क्या है। मान लीजिए यहां पे कोई वैल्यू, कुछ वैल्यूज है हमारी, और एक नाम है, मैंने ये नाम इस लिस्ट में सर्च करना है और कौन सी इंडेक्स पोजीशन है। मैं क्या करूंगा, इंडेक्स, इंडेक्स में मैंने क्या किया, दो चीज मांगता है, एरे और रो नंबर। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, एरे मतलब रेंज आपकी पूरी, देन रो नंबर, रो नंबर मतलब मैंने कहा कि यहाँ पे जैसे चूज का फंक्शन काम करता है ना, उसी तरह से ये उल्टा है। इसमें ये चीज पहले आप दे देते हैं रेफरेंस की तरह, उसमें आपको वैल्यू देनी पड़ती है, यहाँ रेफरेंस देना होता है, फिर आप बस इसमें इंडेक्स पोजीशन डालते जाइए। जैसे मैं यहां से मैं इंडेक्स पोजीशन चूज कर लेता हूँ, ठीक है, रो नंबर, अभी कुछ नहीं दिखाएगा, जीरो वन जब दिखाया मैंने, पहली इंडेक्स पोजीशन पे कौन है, संदीप, ठीक है जी, दूसरी इंडेक्स पोजीशन पे कौन है, हरीश, मतलब ये गिनता हुआ आ रहा है ऐसे। इसी तरह से पांच अगर मैं डालूंगा तो सुजीत आएगा। चलो यहां तक भी ठीक हुआ। इसी के साथ ही एक मेरा फंक्शन होता है मैच, मैच मैच आपका वी लुकअप के से थोड़ा मिलता जुलता है, पर इसमें रिटर्न अलग चीज करता। मैंने कहा कि आप इसको सर्च करो लुकअप वैल्यू को, लुकअप एरे, यानी इसमें एक रेंज दूंगा मैं। यहाँ पे मुझे पूरा डेटाबेस ऐसे सिलेक्ट करने की जरूरत है, सिर्फ एक रेंज जिसमें पॉसिबली वो हो सकता है। ठीक है जी, और मैच टाइप यहाँ पे भी जीरो लगता है एग्जैक्ट मैच के लिए। ठीक है जी, तो इसमें आया वन, अगर मैं यहाँ पे हरीश डालता टू, विकास डालता थ्री, तो जो मैं काम ऊपर से कर रहा हूं तो ये मुझे इंडेक्स पोजीशन मिल गई मैच के फंक्शन के थ्रू। इसको मुझे कहां डालनी है, मैंने कहा तुम यहां से नहीं, यहां से। ठीक है जी, यहां तो यहां पे जो मैं नाम डालूंगा वो हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये एक पैटर्न हुआ आपको समझाने के लिए। अब पैरेलली मैं इसके क्या करता हूं, ये डाल देता हूं। अब इसके बराबर में ये डेटा है। ठीक है जी, अब सपोज मुझे ये इंडेक्स के फॉर्मूला के थ्रू सिटी चाहिए, जो नाम मैं वहां लिखू उसकी सिटी चाहिए। मैं क्या करूंगा, ये जो रेंज मैंने यहां सिलेक्ट की है, अब इसके समानांतर ही है, मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां पे जो डेटा है मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूं इसके साथ। ठीक है जी, अब जहां हरीश होगा उसके सामने ही तो उसकी सिटी होगी, है जी, मतलब मैं इंडेक्स पोजीशन इसमें से गेट कर रहा हूं और रिजल्ट इसमें से ले रहा हूं। ठीक है जी, यही तो कर रहा है अभी लुकअप भी।
मैंने सिटी डाल दी, ठीक है जी। तो हर एक की सिटी आप देख सकते हैं उसके सामने आ रही, ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सर सही है, यहां तक क्लियर है ना? हाँ। तो फिर अब मैं इसको अलग डाइवर्जन में सोच, तो अब हमें बात कर रहे थे हम सेल्स की, सेल्स चाहिए, तो आईडी इधर है, सेल्स इधर है, वही केस है जो यहां पे है। तो कैसे स्टार्ट करना है फॉर्मूला? इंडेक्स एरे, एरे जिसमें से रिजल्ट आना है, तो रिजल्ट वाला मैं सेल्स का पूरा यहां से चूज कर लेता हूं, फिर कॉमा, ठीक है जी। अब इसको फिक्स करना जरूरी है, डेटाबेस हमेशा फिक्स करना जरूरी है। लगा दिया रो नंबर, रो नंबर कहां से आ रहा है? मैच के फंक्शन से, मैच का फंक्शन लगाया, लुकअप वैल्यू मैंने ये ले ली, ठीक है जी। और इसमें भी क्या होता है कि हमें कॉलम को फिक्स करना जरूरी होता है, ठीक है जी। लुकअप एरे क्या हो गया मेरा, जहां पे आईडी है मेरी, आईडी को पूरा सिलेक्ट कर लिया। फिर ये बोल रहा है जीरो एग्जैक्ट मैच के लिए, जीरो लगा दिया, ठीक है जी। तो ये मेरा पूरा फंक्शन हो गया मैच इंडेक्स का, ठीक है जी। इसको अभी मैं फिक्स कर लेता हूं, ये जो मैच मैंने आईडी वाला किया था इसको भी। तो ये इंडेक्स का मेरा पूरा फंक्शन हो गया जो मेरा वीलुकअप का काम करेगा, उसको ड्रैग कर दिया और सेम रिजल्ट आपके सामने है, E005 में 20, ठीक है सर। ये हो गया वीलुकअप का अल्टरनेट। ये क्लियर है सर? हाँ सही है। और आगे चलते हैं, मैच इंडेक्स मैंने बताया आपको, इंडेक्स क्या करता है? इंडेक्स पोजीशन करता है। इंडेक्स का एक और ये, हाँ तो इंडेक्स का एक और काम भी है। अभी तो इंडेक्स से हम रो नंबर ले रहे हैं खाली, पर इंडेक्स से हम रो कॉलम नंबर दोनों दे सकते हैं। जैसे हम अगर डेटा को इस तरह से सिलेक्ट करें, जैसे पूरा मल्टीपल कॉलम के साथ, तो इसमें रो कॉलम नंबर देंगे तो ये उस नंबर की आपको वैल्यू दे देगा। जैसे मैं इसमें करूं फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम की वैल्यू, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम की वैल्यू, ठीक है जी। या थर्ड रो में फोर्थ कॉलम की वैल्यू, तो यहां से गिनता हुआ आएगा आपके डेटा में थर्ड रो में फोर्थ कॉलम की वैल्यू, ठीक है जी। तो इस तरह से भी ये चलता है। और इसके जैसा ही है एक फंक्शन ऑफसेट पर, उसको थोड़ी देर में बताता हूं। अब जैसे मैंने आपको ड्रैगिंग में आपको दिखाया था, सेल्स को मैं वापस उसी जगह पे ले आता हूं, और एक और ऑप्शन दिखाता हूं आपको। मान लीजिए मैं ड्रैग ही नहीं करना चाहता, मतलब ड्रैग करना चाहता हूं पर कॉलम इंडेक्स भी नहीं चेंज करना चाहता, क्योंकि तो हर एक को चेंज करना आपस में बवाली। अब मैं कुछ भी नहीं चेंज करूंगा इसमें। अब मैच के बेस पे आपको पता है कि कॉलम इंडेक्स दे देता है मुझे, तो मैं उससे भी ले सकता हूं। यानी कि मैं करना क्या वाला हूं, मैं ये मैच करूंगा कि ये जो ऊपर वाला कॉलम है
वो मेरे इस डेटा में कौन सी पोजीशन पे है, ठीक है जी। तो मुझे क्या देगा, इंडेक्स पोजीशन दे देगा। इसको थोड़ा फिक्स कर देते हैं, फिर देखते हैं मैजिक इस पर। इसको डेटा को फिक्स कर देता हूं, और इसमें मुझे क्या फिक्स करना पड़ेगा, अगर मैं नीचे ड्रैग करूं तो रो फिक्स करनी पड़ेगी। एक बार भी ऊपर का डेटा पूरा क्लीन करके मैच स्टार्ट करो ना एक बार। मैं सोच रहा था ये शीट आपको मेल कर देता तो मेरे सारे फॉर्मूले आप देख पाते। ओके ओके, ठीक है ना, इसीलिए मैं कुछ भी डिलीट नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं डिलीट करता ही हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, रो को फिक्स कर दिया, क्योंकि अगर मैं यहां से ड्रैग करूंगा तो ये डेट यहाँ जो सिलेक्टेड है ये भी नीचे खिसक आएगा, तो सिर्फ रो को फिक्स करो, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो जिस भी नंबर पे होगा उसका इंडेक्स पोजीशन मुझे देगी, ठीक है जी। अब मैं अगर इसको वी लुकअप में मिक्स कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा ना। इसको मैं कॉपी करके रख देता हूं इस फॉर्मूले को, ठीक है जी। अब मैं लगाता हूं वी लुकअप लुकअप वैल्यू टेबल एरे, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया। आगे वाली सेल्स नहीं ले रहा हूं, उसकी जरूरत नहीं मुझे, क्योंकि मैंने इधर अब कॉलम इंडेक्स डालना है, वहां पे मैं फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, देन फॉल्स जीरो, फॉल्स या जीरो। इसमें भी थोड़ा बहुत मुझे क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, डेटाबेस फुल फिक्स करना है और इसमें खाली कॉलम फिक्स करना है, बस। अब ये मेरा काम हो गया, बस इसको मैंने यहां से यहां ड्रैग किया, इसको नीचे तक ड्रैग किया, हो गया काम, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। इसको डेट फॉर्मेट में कर देता हूं, जैसे मैंने बताया था नंबर फॉर्मेट में जाके जो डेट की फॉर्मेटिंग है ये वाली, ये अप्लाई कर दी। तो मेरा डाटा निकल के आ गया मेरे सामने, अब मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, कहीं एक फॉर्मूले के अंदर मेरा सारा काम हो गया। अब मजे की बात ये है, यहां पे आप नेम कर दीजिए, सिटी कर दीजिए, चेंज हो जा रहा है। इसको कहते हैं ऑटोमेशन, जो ऑटोमेटिक काम करवा देते हैं, ठीक है जी। बस इसमें क्या है कि कॉलम नंबर, कॉलम जो है वो सेम होने चाहिए, तो वी लुकअप आप समझ गए सही से। हाँ जी, कितने तरह से यूज किया जा सकता है इसको। और बाकी एच लुकअप यही है ना, इसके जैसा ही है ना। हाँ जी, एच लुकअप इसके जैसा ही है ना। हाँ जी सर, जैसे एच लुकअप में क्या है ना, जैसे आप इस डेटा को कर देते ट्रांसपोज, अब आपको ऐसे चाहिए जैसे इसमें कॉलम नंबर होता है वैसे उसमें रो नंबर होता है, बस और कोई डिफरेंस, ठीक है जी। मान लीजिए ये डाटा आपका ट्रांसपोज में होता तो आप इस तरह का डेटा वैसे निकाल सकते थे एच लुकअप के जरिए। इसमें हम कॉलम इंडेक्स सर्च करते हैं, उसमें हमें रो इंडेक्स सर्च करना होता है, क्योंकि ये डाटा ऐसे होता, ठीक है जी। तो वी लुकअप एच लुकअप सेम है, उनकी जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से करके दिखाने की, उसकी ये कॉन्सेप्ट पूरा इसी में क्लियर है। अब ऑफसेट बता देता हूं, ऑफसेट वैसे बेसिकली आपके डायनेमिक चार्ट्स में वीबीए वगैरह में यूज होता है, ऑफसेट इंडेक्स की तरह ही उसको लगा लीजिए, ठीक है जी। जैसे इंडेक्स में मैंने दिखाया था ना फर्स्ट रो का सेकेंड वैल्यू, ये क्या करता है जीरो से स्टार्ट होता है। इसको यहां हाइड करता हूं। तो ऑफसेट में मैं क्या करता हूं कि इक्वल टू ऑफसेट रिफरेंस स्टार्टिंग पोजीशन, इसमें बाकी सब में आपको डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत होती है, इसमें नहीं होती है,
अब बस इसे स्टार्टिंग पोजीशन दे दीजिए, ये मतलब जैसे खूंटा गाड़ के छोड़ देना होता है ना, वही है। अब रोज एंड कॉलम दो चीजें, मैं ऊपर सिलेक्ट कर लेता हूं रो और इधर कॉलम, ठीक है जी, ऊपर से सिलेक्ट। तो यहाँ पे आईडी क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये जो हमने सिलेक्शन दिया है ना, ये स्टार्टिंग पोजीशन, वो इसको 00 से स्टार्ट करता है, तो स्टार्टिंग पोजीशन हो गई 00। अगर मैं यहाँ पे 1 और 1 ये डाल देता हूं तो मुझे क्या दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है। मतलब यहां से एक रो नीचे उतरा और एक कॉलम आगे गया। ठीक है जी, इंडेक्स में अगर आपको यही वैल्यू चाहिए होती तो आपको 2-2 टाइप करना होता। ठीक है जी, अब यहां पे करते हैं 3-3, तो इसका मतलब है 0 पोजीशन ये है, तो 0 1 2 3, ठीक है जी, फिर ये ऊपर वाली 0 है, 0 1 2 3, तो ये रिजल्ट आया आपका। ठीक है जी, इंडेक्स अगर यही काम करता तो क्या करता, 1 2 3 4 पे आता है मतलब। ठीक है जी, वो अपने आप को स्टार्टिंग वैल्यू को 1 से काउंट करता है और ऑफसेट क्या करता है, 0 से काउंट करता है। यही डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है। यही चीज आप जो मैंने इंडेक्स मैच के साथ किया था, इंडेक्स ऑफसेट के साथ भी करवा सकते हैं। इसमें आपको फुल डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है जी, तो आपका जो है मेरे ख्याल से पूरा का पूरा ये आपका लुकअप एंड रेफरेंसेस खत्म हो गया है। ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ एकदम जबरदस्त। हाँ तो मेरे ख्याल से आज के लिए काफी हो गया होगा। हाँ वही ढाई रात के 12:30 हो रहे हैं अभी। हाँ हाँ, फिर बाकी हम कल मिलेंगे, तो मैं ये रिकॉर्डिंग आज शाम तक अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, और ये फाइल आपको, आप मुझे ईमेल आईडी दे दीजिए, मैं उस पर मेल कर दूंगा ये फाइल। या आपका, आप जो ईमेल भेजे उस पे ही है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो भूल ही गया। कोई बात नहीं, मैं अभी भेज देता हूँ ये फाइल तो आपको। और एक एक बात यार, देखो आपकी ट्रेनिंग पसंद आई हमारे को, तो वी वुड लाइक टू कंटिन्यू, अगर आप ही बोलोगे तो वी वुड लाइक टू कंटिन्यू विथ यू। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम। तो ये वीकेंड बेस्ट, जिस तरह से सुजीत बोले वो हमारे को सुबह के 5 बजे है। हाँ। बट थोड़ा फ्लेक्सिबल रहे तो अच्छा रहता ना। नहीं, फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइमिंग डिस्कस करनी पड़ेगी। आपके यूएस से ही हमारे पास एक कैंडिडेट और भी है, वो भी चल रहे हैं, हालांकि 2-3 है, पर उनका टाइमिंग मोस्टली, उनका टाइमिंग क्या होता है, रात को 8 बजे वो डेली में चलते हैं। वो आपके पास पड़ता होगा मेरे ख्याल से 9:30 के आस, 10 घंटे का फर्क है मेरे ख्याल से, 10-10.5 घंटे का। क्या आप दोनों में 2.5 घंटे क्या, तो आपको अभी कितना, 8:45 हो रहा है क्या? हमारे यहाँ जो हो रहा है वो 9:45 सुबह के हो रहे हैं। हाँ 9:45 सुबह। तो आपको नेक्स्ट सेशन बेस्ट कब है आपको अवेलेबल, व्हाट इज योर बेस्ट टाइम? नेक्स्ट सेशन आप जैसा